नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। आप देख रहे हैं देश का नंबर वन हिंदी न्यूज चैनल। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का वक्त, 100 बात की एक बात का। बड़ी खबर आ रही है इजराइल से। वहां न्यायिक सुधार बिल के संसद से पास होते ही पूरे इजराइल में कोहराम मच गया। वहां के कई शहरों में लाखों लोग इस बिल के विरोध में सड़कों पर उतर आए और बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार पर अपना गुस्सा उतारा। इस दौरान जमकर तोड़फोड़ की गई और खासतौर पर पुलिस को निशाना बनाया गया। इसे इजराइल के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन भी कहा जा रहा है। इजराइल के ज्यादातर लोगों का ये मानना है कि वहां की सरकार इस बिल के जरिए जजों को अपनी मुट्ठी में कर लेगी, क्योंकि इजराइल में न्यायिक सुधार बिल के पास होने के बाद वहां कोई भी अदालत सरकार या किसी भी मंत्री की तरफ से जारी आदेश पर रोक नहीं लगा सकेगी। और इसी कानून ने लोगों में इतना गुस्सा भर दिया है कि उन्होंने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, जिसकी सबसे भयानक तस्वीरें तेल अवीव से सामने आई, जहां प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने पानी की बौछार कर दी। वहां के एक इलाके में इजराइल का झंडा लिए जब एक आदमी अपना विरोध जताने लगा तो पुलिस ने उस पर पानी की ऐसी बौछार की कि वो गेंद की तरह घूमते हुए पीछे जमीन पर गिर गया। इसी तरह एक दूसरे इलाके में कई लोगों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल कर उन्हें खदेड़ने की कोशिश की गई, लेकिन सरकार पर भड़के लोग वहां से टस से मस नहीं हुए। उन्होंने सड़कों पर लगे कई बैरिकेड तोड़ दिए। बेंजामिन नेतन्याहू सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान कई जगहों पर पुलिस के जवान दीवार बनकर खड़े हो गए ताकि प्रदर्शनकारी आगे ना बढ़ सके, लेकिन इसके बावजूद प्रदर्शनकारी नहीं माने और उन्होंने कई जगहों पर आगजनी और तोड़फोड़ की। हिंसक प्रदर्शन की वजह से तेल अवीव की सड़कों पर हालात तेजी से बिगड़ने लगे, जिसके बाद इसराइल की पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर एक्शन लेना शुरू कर दिया। सड़कों पर उत्पात मचा रहे कई लोगों को जबरदस्ती उठाकर सड़क के किनारे पटक दिया। ये देखकर वो लोग और भड़क गए। उन्होंने पुलिस का सामना करने की हिम्मत जुटाई, लेकिन पुलिस की सख्ती के आगे उनकी एक न चली। फिर तो वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया। पुलिस की सख्त कार्रवाई से बचने के लिए लोग इधर उधर भागने लगे। इस बीच कुछ जगहों पर पुलिस के जवानों ने जलती हुई लकड़ियों को प्रदर्शनकारियों के सामने ही फेंक दिया, जिससे वो जलने से बाल बाल बच गए। इसके साथ ही पूरे शहर में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला, जिसमें घुड़सवार दस्ता भी शामिल हुआ। इस दौरान भी कई लोग पुलिस का विरोध करते दिखाई दिए, क्योंकि लोगों ने आरोप लगाया कि इजराइल की संसद से पारित नए बिल के जरिए कानून में बदलाव के बाद वहां की सरकार के पास अदालतों के फैसले बदलने की ताकत होगी, जबकि सरकार के फैसलों को अदालतें रोक नहीं पाएंगी। और इन्हीं मुद्दों पर भड़के लोग जब तेल अवीव की सड़कों पर उतरे तो उन्हें हटाने के लिए पुलिस ने कई घोड़े दौड़ा दिए, जिससे वहां चीख पुकार मच गई। पुलिस वाले जानबूझकर घोड़ों को लोगों के सामने ले गए ताकि उनके डर से लोग सड़कों को खाली कर दें। इस दौरान कई बार तो ऐसा लगा जैसे कुछ लोग उन घोड़ों के पैरों के नीचे आ जाएंगे, लेकिन लोगों ने डिवाइडर का सहारा लेकर जैसे तैसे खुद को उन घोड़ों से बचाया। इसी तरह के हालात राजधानी यरूशलम में भी दिखाई दिए, जहां सड़कों पर जुटे हजारों लोगों पर पुलिस ने पानी की बौछार शुरू कर दी, लेकिन न्यायिक सुधार बिल के खिलाफ जुटे लोग भागने के बजाय वहीं सड़क पर ही बैठ गए। यरूशलम के कई इलाकों में इसी तरह सैकड़ों लोग झंडा लेकर सरकार के खिलाफ अपना विरोध जताते नजर आए। और यही तस्वीर इजराइल के कई दूसरे शहरों में भी देखने को मिली, जहां पर कई घंटों तक पुलिस और प्रदर्शनकारियों का आमना सामना हुआ, जिससे उन शहरों के हालात पूरी तरह बिगड़ गए। और इसी बीच तेल अवीव से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें एक तेज रफ्तार कार कई प्रदर्शनकारियों को कुचलती नजर आई। इस घटना से पहले सड़क पर जुटे प्रदर्शनकारी हाथों में झंडा लिए दिखाई दिए, वहीं पर उन लोगों ने आगजनी भी की। तभी वहां सफेद रंग की वो कार पहुंची। लोगों को लगा कि वो भीड़ को देखकर रुक जाएगी, लेकिन उस कार ने रफ्तार कम करने के बजाय और बढ़ा दी, जिससे कई लोग उसके नीचे दबकर घिसटते चले गए। कुछ लोग तो अपनी जान बचाने के लिए उस कार से दूर भाग गए। इस दौरान कुछ लोगों ने उस पर पथराव भी किया, लेकिन तब तक वो कार लोगों को कुचलने के बाद वहां से दूर निकल गई। लेकिन इस घटना के बावजूद लोगों की हिम्मत नहीं टूटी और वो सड़कों पर डटे रहे। और इस बीच न्यायिक सुधार बिल के विरोध में इजराइल के डॉक्टरों ने हड़ताल शुरू कर दी, जिससे इजराइल के हालात और बिगड़ने की संभावना जताई गई, क्योंकि डॉक्टरों के हड़ताल पर जाने का मतलब है कि पूरे देश में स्वास्थ्य सेवाओं पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा, जिससे निपटना वहां की सरकार के लिए आसान नहीं होगा। इस बड़े खतरे को देखते हुए इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू सामने आए और उन्होंने विपक्षी दलों से इस मुद्दे पर साथ मांगा ताकि लोगों को समझाया जा सके। लेकिन इसराइल में न्यायिक सुधार बिल के कानून बनने पर अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने विरोध जताया। उन्होंने इस बिल को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और इसराइल को देश में इस बिल पर आम सहमति बनाने की नसीहत भी दे दी। उधर इसराइल में मचे कोहराम पर उसके पड़ोसी लेबनान का चरमपंथी संगठन हिजबुल्ला जश्न मनाने लगा और उसने इसराइल के लोगों की बगावत को देखकर इसराइल के टुकड़े होने की भविष्यवाणी कर डाली और दो टूक कहा कि जिस तरह इसराइल के लोग वहां की सरकार की न्यायपालिका के अधिकार कम करने वाले कानून के खिलाफ सड़कों पर जमे हैं, उससे साफ है कि बहुत जल्द इसराइल नाम का देश ही खत्म हो जाएगा, उसका वजूद मिट जाएगा।
यानी इसराइल के दुश्मन हिजबुल्ला ने दावा किया कि न्यायपालिका के खिलाफ कानून लाकर इसराइल की सरकार ने हिजबुल्ला का काम कर दिया। उसने खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली और अब इसराइल के लोग ही उसके खिलाफ खड़े हो गए। इधर देश के कई राज्यों में लगातार हो रही बारिश और बाढ़ की वजह से हाहाकार मच गया। पहाड़ी राज्यों में तो जमीन खिसकने और बादल फटने की घटनाओं से कोहरा मचा दिया। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बादल फटने के बाद भयानक तबाही आ गई और बादल फटने की वजह से आया सैलाब अपने साथ इमारतों और जमीन के हिस्से को बहा ले गया। और वहां से सामने आए एक वीडियो में नाले के रौद्र रूप से लोग सहम गए। बादल फटने की वजह से पंचा नाला और हुरला नाले में बाढ़ आ गई। वीडियो में मिट्टी और कीचड़ के साथ तेज रफ्तार पानी पहाड़ से नीचे आता नजर आया। बाढ़ की वजह से 5 मकान पूरी तरह तबाह हो गए हैं, जबकि 15 मकानों को नुकसान पहुंचा। गड़सा घाटी में सुबह के करीब 4 बजे बादल फटा, जिसके बाद नदी में इतना पानी बढ़ गया कि नाले पर बना पुल बह गया। नदी की तेज धार ने किनारों को काट दिया और जमीन का कुछ हिस्सा नदी में समा गया। बताया गया कि कई जानवर भी बह गए। वहां रह रहे लोग अपने घर मकान छोड़कर सुरक्षित जगहों पर भाग गए। मौसम विभाग के मुताबिक पिछले 16 दिनों में कुल्लू में 12 से ज्यादा बादल फटने की घटनाएं हुई, जिससे भयानक तबाही आई। और कुल्लू में बादल फटने की वजह से नाले में ऐसा सैलाब आया कि वो अपने साथ सड़क के एक हिस्से को बहा ले गया और पानी की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि वो किनारों को काटते हुए आगे बढ़ता दिखा और सड़क के बह जाने से सामान की ढुलाई करने वाली एक गाड़ी फंस गई, जिसका डराने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक गाड़ी फंसी दिखी क्योंकि बादल फटने के बाद उसके आगे और पीछे की सड़क पानी के साथ बह गई। तस्वीरों में वो गाड़ी पहाड़ों के बीच ऐसी जगह फंसी नजर आई जहां नीचे तेज वेग से बहती नदी और गाड़ी के आसपास खड़ी बड़ी बड़ी चट्टान दिखी। उस गाड़ी के लिए आगे खाई और पीछे कुआं वाले हालात बन गए, क्योंकि उसके लिए आगे बढ़ने और पीछे हटने के लिए सड़क नहीं बची। और बादल फटने की वजह से नीचे उफनती नदी है तो ऊपर पहाड़, जो कभी बड़े हादसे को दावत दे सकते हैं, जिससे वहां लोग दहशत में आ गए। लेकिन उत्तराखंड के चमोली तो पहाड़ खिसकने की ऐसी खौफनाक तस्वीर सामने आई कि लोग दहशत में आ गए और वहां के थराली इलाके में पहाड़ का बड़ा हिस्सा देखते ही देखते टूटकर नदी में समा गया, जिसका डरा देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें रेत की तरह पहाड़ से हजारों टन मिट्टी और पत्थर खिसकता दिखा। वीडियो में मिट्टी के साथ चीड़ के कई पेड़ भी पहाड़ी से नीचे गिरते नजर आए। पहाड़ से आया मलबा नीचे बह रही प्राणवती नदी तक पहुंच गया। पेड़ों के साथ पहाड़ी का हिस्सा नदी की धारा में जा गिरा, जिससे नदी का बहाव रुक गया। बाढ़ खिसकने की वजह से नदी के दोनों तरफ मलबा बिखरा दिखा। बीते करीब एक महीने में बारिश के दौरान उत्तराखंड के अलग अलग जिलों से पहाड़ खिसकने की ऐसी डरावनी तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। वहां आसमान से बरसी तबाही ने भारी नुकसान किया। और उत्तरकाशी जिले से तो लगातार पहाड़ खिसकने की डरावनी तस्वीरें सामने आई। पहाड़ से आए मलबे की वजह से यमुनोत्री हाईवे को बंद करना पड़ा। बारिश के बाद हजारों टन मलबा यमुनोत्री हाईवे पर कई जगह पर गिरा नजर आया, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा, क्योंकि पहाड़ से आए मलबे की वजह से हाईवे बंद हो गया, जिससे कई यात्री रास्ते में फंस गए। वहां से जो वीडियो सामने आया उसमें पहाड़ से बड़े बड़े टुकड़े गिरते हुए नजर आए। तभी पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा हाईवे पर आ गिरा। उन गिरते पत्थरों को देखकर ऐसा लगा मानो वहां पत्थरों की बारिश हो रही हो। पत्थरों के गिरने के साथ ही वहां धूल का गुबार भी उठता दिखा। वहां मौजूद एक यात्री ने अपने मोबाइल कैमरे में पहाड़ गिरने की इस घटना को रिकॉर्ड कर लिया। हालांकि घटना की जानकारी मिलने के बाद प्रशासन पहुंच गया। डबरकोट पे अभी भी रास्ता वर्तमान में बंद है। बाद में जमीन खोदने वाली मशीन की मदद से सड़क पर पड़े पहाड़ के मलबे को हटाने का काम शुरू किया गया। उधर राजस्थान के उदयपुर से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां पर मोटरसाइकिल सवार दो लोग उफनती हुई नदी के बीचों बीच फंसे नजर आए, जबकि उनकी मोटरसाइकिल सैलाब में बहती दिखाई दी, क्योंकि वहां पानी की धार इतनी तेज थी कि उसके संपर्क में जो भी आता वो बह जाता। वहां से जो वीडियो सामने आया उसमें दो लोग उफनती नदी के बीचों बीच फंसे नजर आए। इस घटना से वहां हड़कंप मच गया। उफनती लहरों को देखकर लोगों की रूह कांप गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस की टीम क्रेन के साथ वहां पहुंच गई, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि उन लोगों को निकाल पाना आसान नहीं था। हालांकि कई घंटों की मशक्कत के बाद उन दोनों को बाहर निकाल लिया गया। इधर उत्तर प्रदेश के नोएडा में हिंडन नदी के सैलाब में 400 कारें डूब गई और नदी का जलस्तर इतना बढ़ गया कि 10 से 12 गांवों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। वहां से आए वीडियो में चारों तरफ बस पानी ही पानी नजर आया और करीब 5 फीट तक भर चुके पानी में 400 से ज्यादा कारें पूरी तरह डूबी नजर आई। वहाँ इतना ज्यादा पानी भरा था कि उसमें डूबी कारों की सिर्फ छत ही नजर आ रही थी। जहाँ भी आपकी नजर जाएगी पानी ही पानी आपको नजर आएगा। 3 दिनों से ये गाड़ियाँ ऐसी ही डूबी हुई हैं और यहाँ पर तकरीबन 5 फुट तक पानी भरा हुआ है। बताया गया कि 3 दिन पहले हिंडन नदी का पानी इतनी तेजी से बढ़ा कि वो इकोटेक 3 थाना क्षेत्र के कई गाँव में घुस गया। पार्किंग एरिया में अचानक बाढ़ आने की वजह से कारों को हटाने तक का मौका नहीं मिला। ये सभी गाड़ियाँ ऑनलाइन कैब सर्विस देने वाली कंपनी की थी, जिन्हें यहाँ खड़ा किया गया था। हिंडन के पानी में किसानों के खेत, लोगों के घर और सड़कें पूरी तरह डूब गईं। 10 से 12 गांव ऐसे हैं जो कि डूब क्षेत्र के साये में आया हुआ है।
बताया गया कि 1978 के बाद इस साल हिंडन नदी का पानी इन इलाकों में पहुंचा। एहतियात के तौर पर प्रशासन ने डूबे क्षेत्र के गांवों को खाली करने के आदेश दे दिए। वहीं दिल्ली के पास यूपी के गाजियाबाद में भी हिंडन नदी का जलस्तर बढ़ने से हालात बिगड़ते जा रहे हैं और बताया गया कि पानी भरने की वजह से उस नदी के किनारे बसे कई गांवों और कॉलोनी पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा, जिसकी वजह से लोग अपना घर छोड़ने को मजबूर हो गए, क्योंकि वहां से जो तस्वीरें सामने आई उसमें लोगों के घर आधे पानी में डूबे नजर आए। जहां तक भी नजर घुमाई सिर्फ पानी ही पानी दिख रहा था। ऐसे में लोग अपने घरों को ताला लगाकर वहां से चले गए। चारों तरफ जो कॉलोनियां हैं वह जलमग्न हो गई है और घरों पर ताले भी लग गए हैं। वहां इतना ज्यादा पानी भर गया था कि एनडीआरएफ की टीम नाव के सहारे लोगों को रेस्क्यू करती नजर आई। इस दौरान लोग अपनी गाय भैंसों को भी वहां से निकालते दिखे। बताया गया कि हिंडन नदी के किनारे बसे गांव में अचानक पानी बढ़ने लगा और देखते ही देखते हालात इतने ज्यादा बिगड़ गए कि उन इलाकों को खाली करवाया गया। उधर मध्य प्रदेश की विदिशा में लगातार हुई बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए और बेतवा नदी के किनारे बना एक मंदिर पानी में डूब गया। उसके चारों तरफ बस पानी ही पानी नजर आया, क्योंकि दो दिनों से हो रही लगातार बारिश की वजह से बेतवा नदी का जलस्तर बढ़ गया, जो किनारों को तोड़ते हुए आसपास के इलाकों में घुस गया। नदी के किनारे बना एक प्राचीन मंदिर बाढ़ के पानी में डूब गया और सड़कों पर सैलाब ने कब्जा जमा लिया। बाढ़ की वजह से हालात इतने बिगड़ गए कि मंदिर में पूजा पाठ भी बंद कर दिया गया। इस बीच मौसम विभाग की चेतावनी ने विदिशा के लोगों की चिंता और ज्यादा बढ़ा दी, क्योंकि मौसम विभाग ने अगले दो दिन भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद प्रशासन ने लोगों को नदी के आसपास नहीं जाने की अपील की। इस बीच मुंबई के अंधेरी इलाके में पहाड़ खिसकने से दहशत फैल गई और वहां पहाड़ से मलबा सीधे एक इमारत पर जा गिरा, जिससे कई मकानों को नुकसान पहुंचा और आधी रात को हुए इस हादसे में लोगों ने घरों से भागकर अपनी जान बचाई। और इस घटना से वहां हड़कंप मच गया, क्योंकि जिस पहाड़ से मलबा गिरा उससे वो 7 मंजिला इमारत सटी हुई थी। ये घटना मुंबई के अंधेरी ईस्ट इलाके में हुई। बताया गया कि जब पहाड़ खिसकने की घटना हुई तो तेज आवाज के साथ पहाड़ से गिरा मलबा उस इमारत में बने कई लोगों के घरों की दीवारों को तोड़ता हुआ अंदर घुस गया, जिससे वहां रहने वाले लोग दहशत में आ गए और जान बचाने के लिए बाहर भागे। पहाड़ के जो बड़े जो चट्टान के जो हिस्से हैं वो किस तरीके से दीवार को तोड़ते हुए इस फ्लैट में आए हैं और इस फ्लैट को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। पहाड़ से गिरी चट्टानों ने उस इमारत के 3 घरों को पूरी तरह तबाह कर दिया। वहीं मौसम विभाग ने महाराष्ट्र में रिकॉर्ड तोड़ बारिश की चेतावनी जारी की। महाराष्ट्र में मॉनसून की दस्तक के साथ ही जो बारिश का सिलसिला शुरू हुआ वो थमने का नाम ही नहीं ले रहा और लगातार बारिश की वजह से जगह जगह पानी भर गया, जिसकी वजह से लोगों का जीना मुहाल हो गया। लेकिन ये मुश्किल अभी कम होती नहीं दिख रही, क्योंकि मौसम विभाग ने आने वाले दिनों के लिए मुंबई और ठाणे में बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया। इसके अलावा पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधु दुर्ग में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। मुंबई में पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से लोगों को सड़कों पर ट्रैफिक जाम और जलभराव जैसी समस्याएं होने लगी। वहीं इसके बीच मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में और ज्यादा बारिश होने का अलर्ट जारी कर दिया। उधर तेलंगाना में भारी बारिश के बाद बाढ़ कहर बनकर टूटी, जिसकी वजह से वहां के कई जिले बाढ़ से बेहाल हो गए। वहां से सामने आई तस्वीरें बर्बादी और तबाही का मंजर समेटे दिखी, क्योंकि नदी और नाले अपने रौद्र रूप में दिखे। हर गली कूचे में बाढ़ का पानी खड़ा दिखा। सड़कों पर नदियां बहने लगी। घर हो या दुकान, स्कूल हो या अस्पताल, सब जगह पानी ने कब्जा कर लिया। खेत खलिहान में बाढ़ के पानी ने खड़ी फसल को निगल लिया। पानी के तेज वेग ने बड़े बड़े पेड़ों को जड़ से उखाड़ फेंका। इतना ही नहीं, कई सड़कें पानी के साथ ही बह गईं और कई जगह जगह से ही खिसक गईं। जहां तक नजर घुमाओ कुदरत के सामने इंसान की लाचारी साफ दिखने लगी। और उस बीच भारत ही नहीं बल्कि चीन के कई प्रांत भी बाढ़ से बेहाल हो गए। वहां के चोंजियांग प्रांत में बाढ़ ने ऐसी तबाही मचाई कि हर तरफ सिर्फ पानी ही का कब्जा दिखा और इसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें कुछ लोग सड़क पर मौजूद पानी को निकालते नजर आए। वहां के चोंगचिंग प्रांत में इतनी बारिश हुई कि सड़कें ही गायब हो गईं और पानी लोगों के दुकानों तक पहुंच गया, जिससे परेशान होकर लोग खुद उस पानी को निकालने में जुट गए। इसके अलावा वहां पहाड़ खिसकने की भी एक तस्वीर सामने आई, जिसमें सड़क पर बड़े बड़े पत्थर पड़े दिखे, जिसकी वजह से वो रास्ता बंद कर दिया गया। भारी बारिश की वजह से वहां की नदी और नाले उफान पर आ गए और उसका पानी लोगों के घरों में घुस गया। ऐसे में लोग अपना घर छोड़ने को मजबूर हो गए और वहां से जो वीडियो आया उसमें रेस्क्यू टीम एक घर से लोगों को निकालती नजर आई। उधर यमन में तूफान ने जमकर तबाही मचाई और हर तरफ बर्बादी बरसाते तूफान में कई लोग घायल हो गए। वहां से रोंगटे खड़े कर देने वाली एक तस्वीर भी सामने आई, जिसमें यमन के अदन शहर के एयरपोर्ट पर तूफान की वजह से हुई बर्बादी साफ दिखी। मूसलाधार बारिश और आंधी के बीच उस एयरपोर्ट का शीशा टूट गया और वो अंदर की तरफ उस हिस्से में गिरा जहां बहुत से यात्री बैठे थे। शीशा गिरते ही वहां भगदड़ मच गई। डरे सहमे लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। उस एयरपोर्ट के अधिकारियों के मुताबिक शीशा गिरने से वहां 6 लोग घायल हो गए, जिसमें 4 बच्चे शामिल थे। तूफान की वजह से कई विमानों को भारी नुकसान हुआ और 2 उड़ानें भी रद्द करनी पड़ी।
इस बीच राजस्थान के अलवर से प्यार के लिए पाकिस्तान पहुंची अंजू का एक वीडियो सामने आया, जिसमें वो प्रेमी बताए जा रहे नसरुल्ला के साथ पुलिस के जवानों के बीच पाकिस्तान की एक कोर्ट में जाती हुई दिखाई दी। और इस वीडियो के सामने आने के बाद पाकिस्तान की मीडिया ने अंजू और नसरुल्ला की कोर्ट में शादी होने का दावा किया। हालांकि नसरुल्ला और अंजू की तरफ से इसकी जानकारी नहीं दी गई, लेकिन पाकिस्तान से आए एक वीडियो ने अंजू और नसरुल्ला की पूरी कहानी कह दी, क्योंकि उस वीडियो में अंजू पाकिस्तान की एक कोर्ट में बुरके में निकलती दिखाई दी। इस दौरान नसरुल्ला खान अंजू का हाथ पकड़े नजर आए, जिसके बाद पाकिस्तान की मीडिया ने दावा किया कि अंजू ने अपने दोस्त नसरुल्ला से निकाह कर लिया। यही नहीं, अंजू और नसरुल्ला के निकाह नामे की एक तस्वीर भी सामने आई। जबकि अंजू का दावा था कि वो अपने दोस्त नसरुल्लाह से मिलने पाकिस्तान गई हैं और कुछ ही दिनों में लौट आएंगी, लेकिन जब उनकी शादी की खबर सामने आने के बाद अंजू के परिवार में हड़कंप मच गया, क्योंकि राजस्थान के अलवर में ना सिर्फ अंजू के पति अरविंद बल्कि उनके दोनों बच्चे भी अपनी माँ के वापस आने की आस देख रहे हैं। वहीं पाकिस्तान की मीडिया ने दावा किया कि अंजू ने धर्म परिवर्तन कर अपना नाम फातिमा रख लिया, और एक रोज पहले भी पाकिस्तान की पुलिस ने यह दावा किया था कि अंजू अपने नए घर पाकिस्तान आकर बेहद खुश हैं और वो भारत नहीं लौटना चाहती। जबकि पति अरविंद ने दावा किया कि उनकी पत्नी अंजू ने उन्हें भारत लौटने की बात कही थी। इस बीच पाकिस्तान की मीडिया ने दावा किया कि अंजू ने पाकिस्तान में धर्म बदल लिया और अब उनका नाम फातिमा हो गया। हालांकि अंजू पहले से शादीशुदा हैं और भारत में उनके दो बच्चे भी हैं। अंजू के परिवार वालों के मुताबिक अंजू की शादी अरविंद से 2007 में हुई थी। दावा ये भी है कि 2019 में सोशल मीडिया पर अंजू की दोस्ती पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के रहने वाले नसरुल्ला खान से हुई थी। बाद में दोनों की दोस्ती इतनी बढ़ी कि अंजू अपने पति को बिना बताए और बच्चों को छोड़कर पाकिस्तान चली गई। उधर राजस्थान से पाकिस्तान पहुंची अंजू और उनकी प्रेमी बताए जा रहे नसरुल्ला का एक वीडियो भी सामने आया। दावा किया गया कि ये वीडियो अंजू और नसरुल्ला खान के प्री वेडिंग शूट का है, मतलब शादी से पहले बनाया गया वीडियो। और उस वीडियो में अंजू और नसरुल्ला पाकिस्तान के एक इलाके में घूमते दिखाई दिए। इस दौरान दोनों एक दूसरे का हाथ थामे नजर आए। पाकिस्तान की मीडिया ने इस वीडियो को अंजू और नसरुल्ला के प्री वेडिंग शूट होने का दावा किया। इस वीडियो को ड्रोन कैमरे से रिकॉर्ड किया गया, जिसमें अंजू और नसरुल्ला कभी पार्क, सड़क और एक ब्रिज पर एक साथ दिखे। पाकिस्तान की मीडिया का दावा है कि अंजू ने नसरुल्ला से शादी कर ली। जबकि राजस्थान के अलवर में अंजू की 15 साल की बेटी और उसका 6 साल का बेटा उनके इंतजार में है। पति अरविंद का दावा है कि अंजू ने उन्हें पाकिस्तान जाने की भनक तक नहीं लगने दी, और जब वो पाकिस्तान पहुंची तो उन्होंने फोन पर लाहौर में होने की बात बताई। और इस बीच अलवर की रहने वाली अंजू का पाकिस्तान जाने से पहले का एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया। ये सीसीटीवी वीडियो 20 जुलाई का बताया गया, जिसमें अंजू पूरी प्लानिंग के साथ अपने घर से निकलती दिखाई दी। और इस वीडियो में 2:03 पर अंजू कहीं बाहर से अपने अपार्टमेंट में दाखिल होती दिखी। उनके हाथ में एक सूटकेस था, जिसे उन्होंने अपार्टमेंट के गार्ड के पास रख दिया। उसके बाद वो लिफ्ट के सहारे अपने फ्लैट में जाती नजर आई। इसके ठीक 43 मिनट बाद यानी 2:46 पर वापस आई और अपना सूटकेस उठाया और अपार्टमेंट के बाहर खड़े ऑटो रिक्शा पर बैठकर चली गई। और कहा जा रहा है कि यहां से पहले वो दिल्ली गई, दिल्ली से अमृतसर गई और अमृतसर से वाघा बॉर्डर होते हुए पाकिस्तान चली गई। इससे पहले अंजू ये दावा कर चुकी हैं कि वो पाकिस्तान जाने के लिए बीते 2 साल से प्लानिंग कर रही थी। इस बीच राजस्थान से पाकिस्तान जाने वाली अंजू पर उनके रिश्तेदारों का गुस्सा फूट पड़ा। अंजू के परिवार के सदस्य और कई रिश्तेदार काफी नाराज दिखे और उनके अचानक पाकिस्तान जाने के फैसले पर नाराजगी जताई। और न्यूज 18 से बातचीत में अंजू के मामा ने उन पर अपनी भड़ास निकाली। अब तो हमारे लिए मर चुकी है, पाकिस्तान चली जाए चाहे वो अफगानिस्तान जाए। इस बीच अंजू के पिता ने भी उनको लेकर हैरान करने वाला बयान दिया और उन्हें मानसिक रूप से बीमार बता डाला। मेंटली डिस्टर्ब है, उसको कुछ भी समझाने से उसके समझ नहीं आता, किसी की बात नहीं मानता। वहीं परिवार वालों ने ये भी दावा किया कि उनकी अंजू से कभी बातचीत ही नहीं होती। उधर सीरिया के आसमान में अमेरिका का एक और ड्रोन और रूस का एक लड़ाकू विमान आपस में भिड़ गए। सीरिया बीते कुछ साल से अमेरिका और रूस की दुश्मनी का अखाड़ा बना हुआ है और अब अमेरिका ने दावा किया कि उसके MQ-9 रीपर ड्रोन पर रूस के लड़ाकू विमान ने हमला कर दिया, जिससे अमेरिका के ड्रोन को जबरदस्त नुकसान पहुंचा। और अपने दावे को साबित करने के लिए अमेरिका ने एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें सामने रूस का जेट उड़ता नजर आया। अमेरिका ने बताया कि उसका MQ-9 रीपर ड्रोन सीरिया में आतंकी संगठन ISIS के खिलाफ ऑपरेशन में शामिल था, मगर तभी रूस का विमान उसके करीब आकर उड़ने लगा और फिर उसने अमेरिका के ड्रोन पर चिंगारियों की बौछार कर दी, जिससे उसे तगड़ा नुकसान पहुंचा। सीरिया न तो रूस का पड़ोसी है और न ही अमेरिका का, मगर फिर भी दोनों सीरिया में कूद पड़े हैं और विरोधी खेमों में शामिल हैं। रूस सीरिया की सरकार को बचाने के लिए विद्रोहियों से लड़ रहा है और अमेरिका सीरिया की सरकार के खिलाफ खड़ा है। इस वजह से दोनों सीरिया में कई बार आमने सामने आ जाते हैं। इस बीच जापान ने दावा किया कि उत्तर कोरिया ने एक बार फिर बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च कर दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा दिया है। उत्तर कोरिया की इस हरकत के बाद जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने सेना के अफसरों को अलर्ट कर दिया।
ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके। जापान के पीएम कार्यालय की तरफ से ट्वीट करके जानकारी दी गई और अलर्ट किया गया कि उत्तर कोरिया ने एक संदिग्ध बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च कर दी। वहीं दक्षिण कोरिया के हवाले से पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि उत्तर कोरिया ने अपने पूर्वी तट से समुद्र में दो बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। दावा किया गया कि इन मिसाइलों ने पूर्वी सागर में गिरने से पहले लगभग 400 किलोमीटर की दूरी तय की। उत्तर कोरिया की तरफ से ये लॉन्च उस वक्त किया गया जब दक्षिण कोरिया के नौसैनिक अड्डे पर अमेरिकी परमाणु पनडुब्बी युद्धाभ्यास के लिए पहुंची। उधर जापान और इटली की वायुसेना पहली बार संयुक्त हवाई अभ्यास करने जा रही है और जापान की मीडिया के मुताबिक 2 अगस्त से शुरू होने वाले इस हवाई अभ्यास में दोनों देशों के खतरनाक लड़ाकू विमान हिस्सा लेंगे और अपनी ताकत दिखाएंगे। दोनों देशों के बीच ये संयुक्त हवाई अभ्यास उत्तरी जापान के खोमात्से हवाई अड्डे पर आयोजित होगी, जो समंदर से बिल्कुल लगा हुआ है। इस संयुक्त हवाई अभ्यास में जापान के 4 F-15 लड़ाकू विमानों के साथ इटली के 4 F-35A फाइटर जेट शामिल होंगे और दुश्मनों को हवा में ढेर करने का अभ्यास करेंगे। चीन और उत्तर कोरिया के साथ बढ़ते तनाव के बीच जापान लगातार अपनी सैन्य क्षमता बढ़ाने की कोशिश में जुटा है। 2 अगस्त से 10 अगस्त तक इटली के साथ हवाई अभ्यास के बाद जापान की वायुसेना फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया की वायुसेना के साथ हवाई अभ्यास करेगी। इधर गुजरात के वलसाड से दिल दिला देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां पर 3 मंजिला इमारत को नगर पालिका ने ध्वस्त कर दिया, जिसकी वजह से वो इमारत ताश के पत्तों की तरह भरभराकर गिर पड़ी और ऐसा होते ही आसपास खड़े लोगों का कलेजा मुंह को आ गया। हालांकि गनीमत यह रही कि इस हादसे में कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि नगर पालिका ने पहले ही उस इलाके को खाली करवा दिया था। बताया गया कि 3 मंजिला इमारत का ढांचा काफी कमजोर था, जिसकी वजह से आए दिन इस इमारत का कोई न कोई हिस्सा गिरता रहता था। ऐसे में नगर पालिका ने एक्शन लेते हुए पहले तो इमारत को खाली करने का नोटिस दिया, इसके बाद इमारत को ध्वस्त कर दिया। उधर मध्य प्रदेश के कटनी जिले से हैरान कर देने वाला एक मामला सामने आया। आरोप है कि कार्रवाई से बचने के लिए पटवारी ने रिश्वत में मिले रुपए ही चबा गया और जिसके बाद वहां हड़कंप मच गया और लाख कोशिशों के बाद आरोपी पटवारी ने रुपए अपने मुंह से नहीं निकाले। वहां से आई एक तस्वीर में पटवारी को जब पकड़ा गया तब वो रुपयों को चबाते दिखा। उसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां पर भी उसने अपने मुंह से नोट नहीं उगले। जबलपुर के लोकायुक्त की टीम के मुताबिक आरोपी पटवारी ने जमीन के सीमांकन के नाम पर 5,000 रुपए रिश्वत की मांग की, जिसके बाद लोकायुक्त की टीम आरोपी पटवारी को रंगे हाथ गिरफ्तार करने पहुंची। लेकिन तभी कार्रवाई से बचने के लिए पटवारी नोटों को अपने मुंह में रखकर चबाने लगा ताकि सबूत मिट जाए। नोटों के टुकड़े हैं, कुछ लुगदियां हैं जो जब्त हुए हैं। पटवारी की इस करतूत से वहां मौजूद लोग हैरान रह गए, जिसके बाद लोकायुक्त की टीम आरोपी पटवारी गजेंद्र सिंह के खिलाफ आगे की कार्रवाई में जुट गई। इस बीच चंडीगढ़ नगर निगम में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी ने हंगामा कर दिया और इससे पहले आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर डंपिंग ग्राउंड मामले में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, जिस पर बीजेपी ने नगर निगम की बैठक में आम आदमी पार्टी से माफी मांगने की मांग की और इसी बात पर वहां हंगामा शुरू हो गया। सदन के अंदर धक्का मुक्की तक हुई, जिसके बाद मार्शलों को आना पड़ा और उन्होंने कुछ पार्षदों को खींचते हुए सदन से बाहर निकाला। इससे पहले डंपिंग ग्राउंड मामले में भ्रष्टाचार के आरोप पर बीजेपी पार्षदों ने नगर निगम की बैठक में आम आदमी पार्टी से माफी की मांग की और उनके विरोध में नारे भी लगाए। हंगामा बढ़ने पर आम आदमी पार्टी के 8 पार्षदों को सस्पेंड कर दिया गया। उधर इराक की राजधानी बगदाद में स्वीडन के दूतावास के बाद डेनमार्क के दूतावास को प्रदर्शनकारियों ने निशाना बनाया। इराक की मीडिया के मुताबिक स्वीडन के बाद डेनमार्क में हुई कुरान के अपमान की घटना के बाद लोग भड़क उठे, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों ने बगदाद में डेनमार्क के दूतावास को घेर लिया और वहां नारेबाजी की। वहां से जो वीडियो सामने आया उसमें लोगों की भीड़ हाथ में बैनर और पोस्टर लिए हुए दिखी। इराक के मीडिया के मुताबिक डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में हुई कुरान के अपमान की घटना के बाद बगदाद में लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने डेनमार्क के खिलाफ भी प्रदर्शन किया। जबकि कुछ रोज पहले तो बगदाद में गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने स्वीडन के दूतावास पर हमला ही बोल दिया था और वहां आग लगा दी थी, क्योंकि स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम की पुलिस ने वहां के एक प्रदर्शनकारी को फिर से कुरान के अपमान की इजाजत दी थी। इसी वजह से डेनमार्क के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों ने स्वीडन का झंडा भी जलाया। तो वहीं स्वीडन में हुई कुरान के अपमान की घटना पर मुस्लिम देशों के संगठन OIC ने बड़ा कदम उठा लिया। सऊदी अरब की मीडिया के मुताबिक OIC ने स्वीडन को मिला विशेष दूत का दर्जा रद्द कर दिया और स्वीडन में हुई कुरान के अपमान की घटना का विरोध किया। सऊदी अरब की मीडिया के मुताबिक मुस्लिम देशों के संगठन OIC की तरफ से स्वीडन को विशेष दूत का दर्जा मिला हुआ था, जिसे कुरान के अपमान की घटना के बाद रद्द कर दिया गया, जिसकी मांग OIC में शामिल मुस्लिम देशों ने की थी। जब बकरीद के मौके पर स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में एक प्रदर्शनकारी ने कुरान का अपमान किया था,
सऊदी अरब के मीडिया के मुताबिक उस घटना का विरोध होने के बावजूद स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम की पुलिस ने फिर से एक प्रदर्शनकारी को कुरान के अपमान की इजाजत दे दी, जिससे ओआईसी भड़क उठा और उसने स्वीडन से विशेष दूत का दर्जा छीन लिया। और इस बीच स्वीडन में कुरान के अपमान की घटना पर ईरान भड़क गया और ईरान की मीडिया के मुताबिक वहां के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई ने कुरान का अपमान करने वालों को मुस्लिम देशों को सौंप देने की धमकी दी और कुरान का अपमान करने वालों को कड़ी सजा देने की मांग की। ईरान की मीडिया के मुताबिक स्वीडन पर ईरान का गुस्सा इसलिए फूट पड़ा क्योंकि पिछले महीने बकरीद के मौके पर स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में एक प्रदर्शनकारी ने कुरान का अपमान किया, जिसका कई मुस्लिम देशों में विरोध हुआ। इसके बावजूद स्टॉकहोम की पुलिस ने एक और प्रदर्शनकारी को फिर से कुरान का अपमान करने की इजाजत दे दी, जिसके बाद ईरान ने स्वीडन को धमकी दी कि वो कुरान का अपमान करने वाले प्रदर्शनकारियों को मुस्लिम देशों को सौंपे, जिससे उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जा सके। इधर खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के हवाले से खबर है कि भारत में घुसने के लिए सीमा हैदर ने 15 दिन का वीजा लिया था, जो उसके प्लान का हिस्सा था। सूत्र बताते हैं कि सीमा ने पाकिस्तान में ही भारत में दाखिल होने के लिए दो प्लान बनाए थे ताकि वो आसानी से भारत में घुस सके। खुफिया सूत्रों के मुताबिक सीमा हैदर ने प्लान ए के तहत नेपाल के लिए 15 दिन के टूरिस्ट वीजा के लिए आवेदन किया, जो उन्हें आसानी से मिल गया क्योंकि 10 मार्च को वो 7 दिन के टूरिस्ट वीजा पर नेपाल आ चुकी थी, जिसका फायदा उन्हें दोबारा वीजा लेने में मिला। सूत्र बताते हैं कि उनका प्लान भारत में किसी भी तरह दाखिल होना था और अगर वो पकड़ी जाती तो उन्हें वापस नेपाल भेज दिया जाता क्योंकि उनके पास नेपाल का टूरिस्ट वीजा था। सूत्रों का दावा है कि यहीं से सीमा का प्लान भी शुरू होता क्योंकि उन बचे हुए दिनों में वो किसी दूसरे तरीके से भारत में दाखिल होने की कोशिश करती, लेकिन ऐसी नौबत ही नहीं आई क्योंकि सीमा का प्लान ए कामयाब हो गया। इस बीच पाकिस्तान से आई सीमा हैदर ने न्यूज 18 से हुई एक्सक्लूसिव बातचीत की, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के चेहरे से शराफत का नकाब हटा दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि पाकिस्तान में शुरू से ही हिंदू समुदाय की महिलाओं के साथ अत्याचार होता रहा है और कुछ रोज पहले ही सिंध प्रांत में डाकू ने सीमा के बाने हिंदू समुदाय के लोगों को निशाना बनाया था। वहाँ हिंदू महिलाओं पर अत्याचार चलते आए, ऐसा नहीं कि अब हुए, अब दिखा रहे हैं। शुरू से लेके धर्म पर्वत ये सब चीजें चलती आ रही थी, अब दिखा रहे हैं, बस अभी नहीं हो रहा ये सब, ये शुरू से लेके चलता आ रहा था। इसके अलावा मुझे नहीं पता, जहाँ तक मुझे पता है मैं वो बता रही हूँ। आगे कुछ वहाँ के लोगों से कुछ बुलवाया जाएगा या हिंदुओं को आगे ला के, ये तो ज़रूर पाकिस्तान से किया जाएगा कि तुम बोलो सीमा गलत है, ये सच है, इस तरह ज़रूर बुलवाया जाएगा। अगर मैं भी चली गई ना, शायद मुझसे भी भारत के लिए गलत बुलवाने की कोशिश कराई जाएगी। और इस इंटरव्यू में सीमा हैदर ने सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के लोगों की आलोचनाओं का जवाब दिया। उन्होंने साफ कर दिया कि पाकिस्तान ने उन्हें किसी तरह की कोई शिकायत नहीं है और ना ही उन्होंने कभी पाकिस्तान की बुराई की। और यही नहीं, सीमा ने बिना वजह उन्हें निशाना ना बनाने की अपील की। पाकिस्तान के बारे में एक शब्द भी गलत नहीं कहा होगा, जिस कबीले से जहाँ से मैं हूँ, सिंध और बलोच कबीले से, मैं उन्हीं औरतों की बात करती हूँ। मैं ये बात नहीं कहती कि पाकिस्तान गंदा है या पाकिस्तान में ऐसा है, पाकिस्तान में वैसा है, मैं पाकिस्तान की कभी बुराई नहीं करी। जो शहर की लड़कियां हैं वो बहुत खुश हैं, अच्छे से रहती हैं। मैं अपने गांव की बताती हूँ, जहाँ मेरी शादी हुई मैं उस गांव का बताती हूँ। सर, पाकिस्तानियों को मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि मुझे इस तरह बिला वजह ना कहें, मैं मोहब्बत में आई हूँ, मैं वहाँ खुश नहीं थी तो मैं आ गई। वहीं सीमा ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उन्हें पाकिस्तान ना भेजने की अपील की। उन्होंने आशंका जताई कि अगर उन्हें वापस पाकिस्तान भेजा गया तो उनकी और उनके बच्चों की हत्या कर दी जाएगी। अगर आपको डिपोर्ट करने की नौबत आ गई तो सीमा हैदर क्या करेंगी? मुझे नहीं पता मैं क्या करूंगी, जिंदा बचूंगी भी नहीं। तो पहले तो मैं योगी जी और मोदी जी से रिक्वेस्ट करूंगी मुझे ना भेजा जाए, मेरी बेटियों और हमें यहाँ की नागरिकता मिल जाए। और हमारे वकील एपी सिंह पे मुझे बहुत भरोसा है, हमारे लिए वो मसीहा हैं, भगवान। इधर पुलिस सूत्रों के हवाले से खबर है कि पाकिस्तान से आई सीमा हैदर और उनके प्रेमी बताए जा रहे सचिन मीणा से यूपीएटीएस के साथ खुफिया एजेंसियों ने एक बार फिर पूछताछ की। और पिछले हफ्ते भी यूपीएटीएस की टीम ने सीमा और सचिन के पिता नेत्रपाल से कई घंटों तक सवाल जवाब किए थे। और पुलिस सूत्रों का दावा है कि उस दौरान उनसे सीमा हैदर के अवैध रूप से पाकिस्तान से भारत आने पर जानकारी मांगी गई थी। इसके अलावा सीमा के पास से मिले मोबाइल फोन और पासपोर्ट से जुड़े सवाल भी पूछे गए थे। और एक बार फिर यूपीएटीएस के साथ साथ खुफिया एजेंसियों ने सीमा हैदर और सचिन मीणा से पूछताछ शुरू कर दी। यहीं पर सीमा हैदर भी रहती हैं, लेकिन आज सुबह दोनों को यहां से एटीएस पूछताछ के लिए ले गई है। खुफिया एजेंसियों को सीमा पर जासूस होने का शक है। सूत्र बताते हैं कि इसलिए यूपीएटीएस उनसे अवैध रूप से भारत आने के पीछे का मकसद जानने में जुटी है। इसके अलावा ये जानकारी भी जुटाई जा रही है कि भारत आने से पहले सीमा हैदर ने किन किन लोगों से संपर्क करने की कोशिश की थी। और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है दिल्ली से, वहाँ दिल्ली एयरपोर्ट पर एक विमान में आग लगने की खबर है। बताया जा रहा है कि जिस विमान में आग लगी है वो स्पाइस जेट कंपनी का है और ये खबर भी सामने आई कि विमान में मरम्मत का काम चल रहा है।
कल चल रहा और इसी दौरान उसमें आग लग गई और घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें विमान में आग लगी दिखाई दी और वहां से धुएं का गुबार उठता हुआ भी दिखा। इस घटना के सामने आने के बाद डीजीसीए ने पूरी घटना की जांच के आदेश दिए हैं और विवेक गुप्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक, और क्या जानकारी मिल रही है? शिवानी, देखिए आपको बताया जाएंगे कि ये जो एयरक्राफ्ट है वो स्पाइसजेट एयरलाइंस का एयरक्राफ्ट है और ये एयरक्राफ्ट के जिस समय ये आग लगी थी उसमें कोई भी पैसेंजर मौजूद नहीं था, बल्कि ये एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस के पर्पज से दिल्ली एयरपोर्ट पे इसका मेंटेनेंस किया जा रहा था और स्पाइसजेट की टेक्निकल टीम जब मेंटेनेंस के दौरान इंजन पर जांच कर रही थी तभी वहां पर ये आग लगने की घटना सामने आई है। समय रहते हुए दिल्ली एयरपोर्ट पे जो फायर ब्रिगेड मौजूद होते हैं उन्होंने मौके पे पहुंचे और फायर को कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन वीडियो में साफ तौर पर दिखाई जा रहा है कि आग की लपटें फायर जो एयरक्राफ्ट खुद को पूरी तरफ से घेरी हुई है। लेकिन राहत की बात यह है कि इसमें किसी के इंजर्ड होने की कोई जानकारी नहीं है, लेकिन दिल्ली एयरपोर्ट जैसे बड़े शहर में और बड़े एयरपोर्ट पर ऐसी घटना होने के बाद जो डीजीसीए है उसने पूरे मामले के जांच के आदेश दिए हैं। जानकारी के लिए शुक्रिया विवेक। और उधर पश्चिमी मीडिया के मुताबिक रूस के राष्ट्रपति पुतिन को कायर बताने वाले रूसी जनरल इगर गिरकिन को वहां की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उन पर चरमपंथी होने का आरोप लगाते हुए ये कार्रवाई की गई और उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक इगर गिरकिन रूस में राष्ट्रवादी ब्लॉगर के तौर पर पहचान रखते हैं और कभी पुतिन के बेहद करीबी हुआ करते थे, लेकिन इस साल जब रूस ने यूक्रेन पर हमले तेज किए तो उन्होंने पुतिन की आलोचना की। वहीं रूस की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इगर गिरकिन ने अपनी एक पोस्ट के जरिए रूस के राष्ट्रपति को कायर करार दिया और जनता को धोखा देने का आरोप लगाते हुए जल्द ही रूस की सत्ता छोड़ने की मांग की, जिसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया। ये गिरफ्तारी ऐसे वक्त पर हुई जब पिछले महीने वैगनर ग्रुप ने पुतिन के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक दिया था। हालांकि उस बगावत की चिंगारी को पुतिन ने वक्त रहते बुझा दिया। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि ओडेसा में रूस ने जो हमला किया उसमें रूस ने खासतौर पर अपनी 200 से ज्यादा X-22 मिसाइलों को अपग्रेड कर इस्तेमाल किया और ये वो मिसाइलें हैं जो दुश्मन के इलाके में कहर बरपाने के लिए ही जानी जाती हैं। और एक दिन पहले ही जेलेंस्की ने आरोप लगाया था कि रूस ने मिसाइल हमले कर ओडेसा में 50 से ज्यादा इमारतों को तबाह कर दिया। और पश्चिमी मीडिया का दावा है कि इस हमले के लिए रूस ने खासतौर पर अपनी 200 से ज्यादा X-22 मिसाइलों की ताकत बढ़ाई, जिसकी रफ्तार आवाज की गति से 4 गुना ज्यादा है। वहीं ये करीब 950 किलोमीटर दूर दुश्मन के ठिकाने को तबाह करने की क्षमता रखती है। और दावा है कि रूस ने इन मिसाइलों को और ज्यादा ताकतवर करके ओडेसा पर कहर बरपाया, जिससे वहां तबाही मच गई। बताया गया कि रूस जंग की शुरुआत से ही इन मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन यूक्रेन इन्हें आसानी से हवा में ही ढेर कर देता था, इसीलिए इनकी ताकत में इजाफा किया गया ताकि यूक्रेन को चकमा देकर पुतिन वहां जोरदार तबाही मचा सके। वहीं रूस ने आरोप लगाया कि काला सागर में गश्त कर रही उसकी नाव पर ड्रोन हमला किया। हालांकि रूस ने यह दावा भी किया कि उसके सैनिकों ने यूक्रेन के इस हमले को नाकाम कर दिया और रूस का दावा है कि यूक्रेन ने ये सब अनाज की खातिर किया। रूस की सेना के मुताबिक यूक्रेन ने अपने 2 ड्रोन रूसी नावों पर हमले के इरादे से भेजे, जिन्हें रूस की सेना ने हवा में ही ढेर कर दिया। आशंका जताई गई कि यूक्रेन काला सागर में मौजूद रूस की नावों पर हमले कर पुतिन को संदेश देना चाहता था ताकि वो यूक्रेन के साथ अनाज के लिए की गई डील को दोबारा बहाल कर दे। हालांकि रूस की नौसेना के मुताबिक उसके सैनिकों ने यूक्रेन के उन दोनों ड्रोन को निशाने पर लेकर उन्हें समंदर में डुबो दिया। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि यूक्रेन से चल रही जंग के बीच रूस तेजी से हथियार बनाने के काम में जुटा है। पिछले 18 महीनों से रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है और इस बीच यूक्रेन कई मोर्चे पर रूस पर भारी पड़ा और रूस को यूक्रेन के वो इलाके खाली करने पड़े जहां उसकी सेना ने पिछले साल युद्ध की शुरुआत में कब्जा कर लिया था, जिसके बाद अब रूस ने अपने हथियारों के गोदाम को भरना शुरू कर दिया। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक रूस में भारी तादाद में हथियारों को बनाने का काम शुरू हो गया, जिससे यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले किए जा सके, क्योंकि अमेरिका समेत कई पश्चिमी देशों ने रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाए, जिसकी वजह से रूस को हथियार बनाने वाले उपकरण आसानी से नहीं मिल पाए। लेकिन अब रूस ने एक बार फिर से हथियारों को बनाने का काम तेज कर दिया, मतलब आने वाले वक्त में रूस की सेना जंग के मैदान में दोगुनी ताकत के साथ जेलेंस्की की सेना पर हमला करती दिखेगी। इस बीच ईरान और अफगानिस्तान के बीच पानी को लेकर मचे विवाद की वजह से ईरान ने तालिबान सरकार को रिश्ते तोड़ने की धमकी दे डाली और ईरान के विदेश मंत्रालय की कमेटी के एक सदस्य ने सलाह दी कि अगर तालिबान उनकी मांग नहीं मानता तो ईरान को तेहरान में मौजूद अपने दूतावास पर ताला लगा देना चाहिए और अफगानिस्तान में बैठी तालिबान सरकार से सारे रिश्ते तोड़ देने चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि अफगानिस्तान और ईरान के बीच हेलमंद नदी के पानी को लेकर कई सालों से विवाद है, क्योंकि हेलमंद नदी ईरान और अफगानिस्तान की सीमा पर बहती है। ईरान का आरोप है कि अफगानिस्तान ने उस पर कई बांध बनाकर उसका पानी ईरान तक आने से रोक दिया और यही वजह है कि ईरान और अफगानिस्तान के बीच कई सालों से तलवारें खींची हैं।
इसीलिए ईरान के विदेश मंत्रालय की कमेटी ने सरकार को सलाह दी कि उन्हें अफगानिस्तान से सारे रिश्ते तोड़ देने चाहिए। इधर सूत्रों ने दावा किया कि टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने चीन और पाकिस्तान के बीच मौजूद आर्थिक गलियारे को तबाह करने की तैयारी कर ली है। ये दावा पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी की एक रिपोर्ट के हवाले से किया गया, जिसमें पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ने ये शक जताया कि टीटीपी अब चीन और पाकिस्तान के साझा प्रोजेक्ट सीपीईसी पर निशाना साधेगा और इसी वजह से पाकिस्तान की सेना ने खुफिया एजेंसियों को अलर्ट कर दिया। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान ने टीटीपी के एक आत्मघाती हमलावर की तस्वीर जारी करते हुए ये दावा किया कि ओसामा नाम का ये हमलावर किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में है। आशंका जताई गई कि इसी वजह से सेना ने पाकिस्तान में रह रहे चीनी नागरिकों की सुरक्षा बढ़ाने का फैसला ले लिया। ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान में चीनी नागरिकों पर हुए हमले से चीन पहले से ही बौखलाया हुआ है, और अगर टीटीपी ने सीपीईसी या फिर चीन के एक भी नागरिक को निशाना बनाया तो पाकिस्तान की मुश्किलें कई गुना बढ़ जाएंगी। उधर पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने वहां के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया। पाकिस्तान की मीडिया के मुताबिक चुनाव आयोग ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि इमरान खान अवमानना के एक मामले में लगातार पेश नहीं हो रहे थे, और इसीलिए पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने इमरान खान पर बड़ा फैसला ले लिया। पाकिस्तान की मीडिया के मुताबिक वहां के चुनाव आयोग ने पुलिस को साफ निर्देश दे दिया कि किसी भी सूरत में इमरान खान को पेश किया जाए। बताया गया कि अवमानना के उस मामले में पाकिस्तान का चुनाव आयोग सुनवाई कर रहा है, लेकिन इमरान खान उसके सामने पेश नहीं हो रहे। खबर के मुताबिक इसीलिए अब उन्हें गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया गया, यानी इमरान खान एक बार फिर कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं। इससे पहले इमरान खान को 9 मई को भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किया गया था। वहीं दुबई में एक पाकिस्तानी बिजनेसमैन की अपनी बेटी को सोने की ईंटों से तौलने पर पाकिस्तान के लोग भड़क गए, और पाकिस्तान के एक पत्रकार ने इसका एक वीडियो जारी कर दावा किया कि उस बिजनेसमैन ने अपनी बेटी को शादी में 70 किलोग्राम की सोने की ईंट से तौला। लेकिन जैसे ही इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, पाकिस्तान के लोग बुरी तरह भड़क गए। सामने आए वीडियो में कुछ लोग उस लड़की को एक तराजू पर बिठाते नजर आए, पर जैसे ही वो बैठी उसके दूसरी तरफ उसके वजन के जितना सोने की ईंट रख दी गई। दावा किया गया कि पाकिस्तानी बिजनेसमैन ने अपनी बेटी की शादी में दुल्हन के शरीर के वजन के बराबर सोने की ईंटों का दहेज दिया, जिसकी सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के लोगों ने जमकर आलोचना की। हालांकि जैसे ही इसकी खबर दुल्हन को मिली, उसने सफाई दी कि सोने की ईंटें असली नहीं थी बल्कि उन पर सोने का पानी चढ़ा था। इधर दिल्ली में केजरीवाल सरकार के खिलाफ बीजेपी ने जोरदार प्रदर्शन किया। बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए आम आदमी पार्टी के दफ्तर के सामने नारेबाजी की, जहां उनका सामना पुलिस से हुआ तो बवाल मच गया। पुलिस ने आम आदमी पार्टी के दफ्तर की तरफ बढ़ते बीजेपी कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए जगह जगह बैरिकेडिंग की, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के खिलाफ नारेबाजी करते कार्यकर्ता पुलिस के पहरे से जा भिड़े। कार्यकर्ता आगे बढ़ने के लिए लगातार कोशिश में है। इस दौरान बीजेपी के कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, लेकिन वो पुलिस की बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए आम आदमी पार्टी के दफ्तर तक जा पहुंचे और वहां पहुंचकर केजरीवाल सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। केजरीवाल, तुम्हें अपनी कुंभकर्ण की नींद से जागना पड़ेगा। बीजेपी ने आरोप लगाया कि केजरीवाल सरकार ने जनता के पैसों को विकास के कामों की बजाय सरकार की वाहवाही के लिए खर्च कर दिया, जिसकी वजह से दिल्ली की जनता को नुकसान उठाना पड़ा। उधर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में प्रदर्शन के दौरान बीजेपी नेताओं की पुलिस से झड़प हुई, और बीजेपी नेता जिलाधिकारी को कई समस्याओं को लेकर ज्ञापन देने पहुंचे थे और उन्होंने इसके लिए कलेक्टर ऑफिस का घेराव करने की कोशिश भी की, जिस पर रायपुर के कलेक्टर ऑफिस के बाहर सुरक्षा में तैनात पुलिस बल ने बीजेपी नेताओं को रोकने की कोशिश की। तो प्रदर्शन कर रहे लोगों ने वहां लगाई गई बैरिकेडिंग पर चढ़ने की कोशिश की, जिस पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हो गई। बताया गया कि बीजेपी नेता कानून व्यवस्था और विकास कार्यों के मुद्दे पर जिलाधिकारी को ज्ञापन देने पहुंचे थे, लेकिन जिलाधिकारी जब उनसे ज्ञापन लेने नहीं पहुंचे तो इस बात से नाराज बीजेपी नेताओं ने हंगामा शुरू कर दिया। इस बीच महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले में भीषण बस हादसा हो गया, जिसमें 50 से ज्यादा सवारियां ले जा रही एक बस अचानक पलट गई और उसमें बैठे यात्रियों की जान मुश्किल में फंस गई, जिसके बाद वहां हड़कंप मच गया और आसपास के लोगों ने उस बस में सवार यात्रियों को बाहर निकालना शुरू किया। बताया गया कि वो बस मलकापुर से बुलढाणा के लिए निकली थी, उसमें 50 से ज्यादा यात्री सवार थे। जब बस राजूर घाट इलाके से गुजर रही थी तो अचानक उसका ब्रेक फेल हो गया, जिससे अनियंत्रित बस सड़क किनारे पलट गई। हादसे के बाद तुरंत ही वहां रहने वाले लोगों ने बस में फंसे लोगों की मदद शुरू कर दी और एक एक कर उन्हें बाहर निकाला। बताया गया कि हादसे में 10 से ज्यादा यात्री गंभीर रूप से घायल हुए। इधर मेघालय के तुरा को शीतकालीन राजधानी बनाने की मांग पर भड़के प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा के दफ्तर पर हमला कर दिया, और इस हमले के वक्त मुख्यमंत्री कई अधिकारियों और प्रदर्शन कर रहे संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर रहे थे। तभी मुख्यमंत्री के दफ्तर के बाहर जुटे प्रदर्शनकारी अचानक भड़क गए और उन्होंने पथराव शुरू कर दिया। गुस्साई भीड़ ने सीएम ऑफिस के गेट को तोड़ने की कोशिश की।
इसके साथ ही उन्होंने वहां खड़ी कुछ गाड़ियों में भी आग लगा दी। बेकाबू होती इस भीड़ को संभालने के लिए पुलिस ने भी एक्शन लिया। तुरंत आंसू गैस के कई गोले दागे गए ताकि पथराव कर रहे लोग वहां से हट सके। इस हमले में 5 सुरक्षाकर्मी घायल हो गए। बाद में मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा ने उनसे मुलाकात की और उनका हाल जाना। साथ ही घायलों को 50,000 रुपए मुआवजे के तौर पर देने का ऐलान भी किया। इससे पहले लोगों ने तुरा को मेघालय का विंटर कैपिटल बनाने की मांग की, जबकि वहां की राजधानी शिलोंग है। इस बीच उत्तर प्रदेश के कानपुर में चेकिंग के दौरान एक ड्राइवर की मौत के मामले में पुलिस ने जीएसटी के अधिकारियों पर केस दर्ज कर लिया। बताया गया कि वो ट्रक ड्राइवर अपने बेटे के अंतिम संस्कार में जा रहा था, लेकिन आरोप है कि जीएसटी के अधिकारियों ने उसे जाने नहीं दिया। बताया गया कि उस आदमी ने उन अधिकारियों के सामने ट्रक और अपना ड्राइविंग लाइसेंस दिया और जाने की गुहार लगाता रहा, लेकिन आरोप है कि उन अधिकारियों ने उसकी एक ना सुनी, जिससे वो अपने बेटे का दुख झेल नहीं पाया और उसकी मौत हो गई। ट्रक को अपने कार्यालय कुछ जो है प्रपत्र चेक करने के लिए रोका गया था। पुलिस ने जीएसटी के 3 अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया और मामले की जांच में जुट गई। वहीं हरियाणा के झज्जर में एक महिला पर जर्मन नस्ल के एक पालतू कुत्ते ने हमला कर दिया और शिकायत करने पर उस कुत्ते के मालिक ने पीड़ित महिला और उसके पति से बदसलूकी की, जिसके बाद उस महिला ने उनके खिलाफ केस दर्ज करा दिया। और ये पूरी घटना झज्जर के सेक्टर 15 की एक रिहायशी सोसाइटी में हुई। पीड़ित महिला ने बताया कि उन पर जर्मन नस्ल के उस पालतू कुत्ते रॉटवीलर ने हमला कर घायल कर दिया, जब वो अपनी पति के साथ कार में बैठी हुई थी और उनका एक हाथ कार की विंडो पर रखा हुआ था। तभी वहां टहल रहे उस कुत्ते ने हमला कर दिया और उन्होंने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन कुत्ते ने उन पर कई बार हमला किया। मैंने छुड़वाने की कोशिश करी, फिर 3 बार, लेकिन उसने छोड़ा नहीं। पीड़ित महिला ने आरोप लगाया कि शिकायत करने पर उस कुत्ते के मालिक ने उनके साथ बदसलूकी भी की, जिस पर उन्होंने उनके खिलाफ केस दर्ज कराया। आरोप लगा कि उस कुत्ते के मालिक से पहले भी कई बार लोगों ने शिकायत की थी। उधर अमेरिका के फारस की खाड़ी में फाइटर जेट की तैनाती के जवाब में ईरान की वायुसेना ने एयर ड्रिल की और कुछ दिनों पहले फारस की खाड़ी में ईरान की दादागिरी से निपटने के लिए अमेरिका ने वहां पर अपना एक विध्वंसक जंगी जहाज तैनात करने का फैसला किया। इतना ही नहीं, पश्चिमी मीडिया के मुताबिक अमेरिका ने कुछ दिनों पहले फारस की खाड़ी में ईरान की अकड़ तोड़ने के लिए अपने खतरनाक लड़ाकू विमान भी भेजे, लेकिन इसी के बाद ईरान आग बबूला हो गया और उसने भी अमेरिका को अपनी ताकत दिखा दी। ईरान की वायुसेना ने आसमान में दुश्मन से निपटने का अभ्यास किया। ईरान के लड़ाकू विमानों ने जंग के अलग अलग हालात बनाकर उनसे निपटने का अभ्यास किया। इस ड्रिल के दौरान एक साथ ईरान के 11 एयरबेस एक्टिव हुए। इतना ही नहीं, दावा किया गया कि कुछ खतरनाक बम बरसाने वाले विमानों ने भी उड़ान भरी। आरोप है कि ईरान फारस की खाड़ी में मौजूद स्ट्रेट ऑफ हार्मूस में लगातार अमेरिका के तेल टैंकरों को जब्त कर रहा है। यही वजह है कि अमेरिका भड़का हुआ है और वो लगातार अपने फाइटर जेट को इस इलाके में भेज रहा। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि रूस और ईरान के बीच हथियारों की बढ़ती डील पर अमेरिका ने चिंता जताई। अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA के डायरेक्टर ने दोनों देशों के बीच बढ़ती दोस्ती को लेकर चेतावनी भी दे डाली और साफ कह दिया कि ईरान और रूस के बीच बढ़ती दोस्ती तबाही लाएगी। आरोप है कि यूक्रेन जंग में ईरान लगातार रूसी फौज को खतरनाक हथियार भेज रहा। ईरान के आत्मघाती ड्रोन शाहिद 136 तो उसके लिए किसी काल की तरह साबित हुए। यूक्रेन कई बार ये दावा कर चुका है कि रूसी फौज ईरान के आत्मघाती ड्रोन का इस्तेमाल कर उसकी फौज पर हमले कर रही है। हालांकि ईरान ने कभी भी ये बात नहीं मानी कि जंग शुरू होने के बाद उसने रूस को हथियारों की मदद की, लेकिन बीते कुछ महीनों में ईरान और रूस के बीच रिश्ते और ज्यादा बेहतर हुए। अमेरिका को ईरान और रूस दोनों ही अपना दुश्मन मानते हैं। यही वजह है कि दोनों की दोस्ती मजबूत हो रही है, जिस पर अमेरिका ने चिंता जताई। वहीं शेयर बाजार में सुस्ती छाई रही और बाजार मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ। हालांकि मिड कैप, स्मॉल कैप और ऑटो शेयरों में तेजी देखने को मिली। इसके बावजूद बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 29 अंक गिरकर 65,355 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 8 अंक चढ़कर 19,680 पर बंद हुआ। इस दौरान बैंकिंग, IT, कैपिटल गुड्स और FMCG शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट रही। उधर यूरोपीय देश ग्रीस की राजधानी एथेंस से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां पर जंगल में लगी आग को बुझाने पहुंचा एक प्लेन खुद हादसे का शिकार हो गया और बाद में इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें वो प्लेन आसमान से सीधे जमीन पर गिरता नजर आया। विमान के हादसे के इस वीडियो को देखकर लोग खौफ से भर गए। जो वीडियो सामने आया उसमें जंगल से आग की ऊंची ऊंची भयानक लपटें उठती नजर आई, जिन्हें बुझाने के लिए वो प्लेन उस पर पानी की बौछार करने पहुंचा। लेकिन जैसे ही उस विमान ने पानी की बौछार करने के बाद आसमान में उड़ान भरी, तभी उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो जमीन पर गिर गया, जिससे उसमें आग लग गई। इसके बाद जो हुआ, ब्रेक के बाद। बड़ी खबर आ रही है।
इजराइल से वहां न्यायिक सुधार बिल के संसद से पास होते ही पूरे इजराइल में कोहराम मच गया। वहां के कई शहरों में लाखों लोग इस बिल के विरोध में सड़कों पर उतर आए और बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार पर अपना गुस्सा उतारा। इस दौरान जमकर तोड़फोड़ की गई और खासतौर पर पुलिस को निशाना बनाया गया। इसे इजराइल के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन भी कहा जा रहा है। इजराइल के ज्यादातर लोगों का यह मानना है कि वहां की सरकार इस बिल के जरिए जजों को अपनी मुट्ठी में कर लेगी, क्योंकि इजराइल में न्यायिक सुधार बिल के पास होने के बाद वहां कोई भी अदालत सरकार या किसी भी मंत्री की तरफ से जारी आदेश पर रोक नहीं लगा सकेगी। और इसी कानून ने लोगों में इतना गुस्सा भर दिया है कि उन्होंने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, जिसकी सबसे भयानक तस्वीरें तेल अवीव से सामने आई, जहां प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने पानी की बौछार कर दी। वहां के एक इलाके में इजराइल का झंडा लिए जब एक आदमी अपना विरोध जताने लगा तो पुलिस ने उस पर पानी की ऐसी बौछार की कि वो गेंद की तरह घूमते हुए पीछे जमीन पर गिर गया। इसी तरह एक दूसरे इलाके में कई लोगों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल कर उन्हें खदेड़ने की कोशिश की गई, लेकिन सरकार पर भड़के लोग वहां से टस से मस नहीं हुए। उन्होंने सड़कों पर लगे कई बैरिकेड तोड़ दिए। बेंजामिन नेतन्याहू सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान कई जगहों पर पुलिस के जवान दीवार बनकर खड़े हो गए ताकि प्रदर्शनकारी आगे ना बढ़ सके, लेकिन इसके बावजूद प्रदर्शनकारी नहीं माने और उन्होंने कई जगहों पर आगजनी और तोड़फोड़ की। हिंसक प्रदर्शन की वजह से तेल अवीव की सड़कों पर हालात तेजी से बिगड़ने लगे, जिसके बाद इजराइल की पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर एक्शन लेना शुरू कर दिया। सड़कों पर उत्पात मचा रहे कई लोगों को जबरदस्ती उठाकर सड़क के किनारे पटक दिया। ये देखकर वो लोग और भड़क गए। उन्होंने पुलिस का सामना करने की हिम्मत जुटाई, लेकिन पुलिस की सख्ती के आगे उनकी एक न चली। फिर तो वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया। पुलिस की सख्त कार्रवाई से बचने के लिए लोग इधर उधर भागने लगे। इस बीच कुछ जगहों पर पुलिस के जवानों ने जलती हुई लकड़ियों को प्रदर्शनकारियों के सामने ही फेंक दिया, जिससे वो जलने से बाल बाल बच गए। इसके साथ ही पूरे शहर में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला, जिसमें घुड़सवार दस्ता भी शामिल हुआ। इस दौरान भी कई लोग पुलिस का विरोध करते दिखाई दिए, क्योंकि लोगों ने आरोप लगाया कि इजराइल की संसद से पारित नए बिल के जरिए कानून में बदलाव के बाद वहां की सरकार के पास अदालतों के फैसले बदलने की ताकत होगी, जबकि सरकार के फैसलों को अदालतें रोक नहीं पाएंगी। और इन्हीं मुद्दों पर भड़के लोग जब तेल अवीव की सड़कों पर उतरे तो उन्हें हटाने के लिए पुलिस ने कई घोड़े दौड़ा दिए, जिससे वहां चीख पुकार मच गई। पुलिस वाले जानबूझकर घोड़ों को लोगों के सामने ले गए ताकि उनके डर से लोग सड़कों को खाली कर दें। इस दौरान कई बार तो ऐसा लगा जैसे कुछ लोग उन घोड़ों के पैरों के नीचे आ जाएंगे, लेकिन लोगों ने डिवाइडर का सहारा लेकर जैसे तैसे खुद को उन घोड़ों से बचाया। इसी तरह के हालात राजधानी यरूशलम में भी दिखाई दिए, जहां सड़कों पर जुटे हजारों लोगों पर पुलिस ने पानी की बौछार शुरू कर दी, लेकिन न्यायिक सुधार बिल के खिलाफ जुटे लोग भागने के बजाय वहीं सड़क पर ही बैठ गए। यरूशलम के कई इलाकों में इसी तरह सैकड़ों लोग झंडा लेकर सरकार के खिलाफ अपना विरोध जताते नजर आए। और यही तस्वीर इजराइल के कई दूसरे शहरों में भी देखने को मिली, जहां पर कई घंटों तक पुलिस और प्रदर्शनकारियों का आमना सामना हुआ, जिससे उन शहरों के हालात पूरी तरह बिगड़ गए। और इसी बीच तेल अवीव से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें एक तेज रफ्तार कार कई प्रदर्शनकारियों को कुचलती नजर आई। इस घटना से पहले सड़क पर जुटे प्रदर्शनकारी हाथों में झंडा लिए दिखाई दिए, वहीं पर उन लोगों ने आगजनी भी की। तभी वहां सफेद रंग की वो कार पहुंची। लोगों को लगा कि वो भीड़ को देखकर रुक जाएगी, लेकिन उस कार ने रफ्तार कम करने के बजाय और बढ़ा दी, जिससे कई लोग उसके नीचे दबकर घिसटते चले गए। कुछ लोग तो अपनी जान बचाने के लिए उस कार से दूर भाग गए। इस दौरान कुछ लोगों ने उस पर पथराव भी किया, लेकिन तब तक वो कार लोगों को कुचलने के बाद वहां से दूर निकल गई। लेकिन इस घटना के बावजूद लोगों की हिम्मत नहीं टूटी और वो सड़कों पर डटे रहे। और इस बीच न्यायिक सुधार बिल के विरोध में इजराइल के डॉक्टरों ने हड़ताल शुरू कर दी, जिससे इजराइल के हालात और बिगड़ने की संभावना जताई गई, क्योंकि डॉक्टरों के हड़ताल पर जाने का मतलब है कि पूरे देश में स्वास्थ्य सेवाओं पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा, जिससे निपटना वहां की सरकार के लिए आसान नहीं होगा। इस बड़े खतरे को देखते हुए इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू सामने आए और उन्होंने विपक्षी दलों से इस मुद्दे पर साथ मांगा ताकि लोगों को समझाया जा सके। लेकिन इजराइल में न्यायिक सुधार बिल के कानून बनने पर अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने विरोध जताया। उन्होंने इस बिल को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और इजराइल को देश में इस बिल पर आम सहमति बनाने की नसीहत भी दे दी। उधर इसराइल में मचे कोहराम पर उसके पड़ोसी लेबनान का चरमपंथी संगठन हिजबुल्ला जश्न मनाने लगा और उसने इसराइल के लोगों की बगावत को देखकर इसराइल के टुकड़े होने की भविष्यवाणी कर डाली और दो टूक कहा कि जिस तरह इसराइल के लोग वहां की सरकार की न्यायपालिका के अधिकार कम करने वाले कानून के खिलाफ सड़कों पर जमे हैं, उससे साफ है कि बहुत जल्द इसराइल नाम का देश ही खत्म हो जाएगा, उसका वजूद मिट जाएगा। यानी इसराइल के दुश्मन हिजबुल्ला ने दावा किया कि न्यायपालिका के खिलाफ कानून लाकर इसराइल की सरकार ने हिजबुल्ला का काम कर दिया।
उसने खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली और अब इसराइल के लोग ही उसके खिलाफ खड़े हो गए। इधर देश के कई राज्यों में लगातार हो रही बारिश और बाढ़ की वजह से हाहाकार मच गया। पहाड़ी राज्यों में तो जमीन खिसकने और बादल फटने की घटनाओं से कोहरा मचा दिया। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बादल फटने के बाद भयानक तबाही आ गई और बादल फटने की वजह से आया सैलाब अपने साथ इमारतों और जमीन के हिस्से को बहा ले गया। और वहां से सामने आए एक वीडियो में नाले के रौद्र रूप से लोग सहम गए। बादल फटने की वजह से पंचा नाला और हुरला नाले में बाढ़ आ गई। वीडियो में मिट्टी और कीचड़ के साथ तेज रफ्तार पानी पहाड़ से नीचे आता नजर आया। बाढ़ की वजह से 5 मकान पूरी तरह तबाह हो गए हैं, जबकि 15 मकानों को नुकसान पहुंचा। गड़सा घाटी में सुबह के करीब 4 बजे बादल फटा, जिसके बाद नदी में इतना पानी बढ़ गया कि नाले पर बना पुल बह गया। नदी की तेज धार ने किनारों को काट दिया और जमीन का कुछ हिस्सा नदी में समा गया। बताया गया कि कई जानवर भी बह गए। वहां रह रहे लोग अपने घर मकान छोड़कर सुरक्षित जगहों पर भाग गए। मौसम विभाग के मुताबिक पिछले 16 दिनों में कुल्लू में 12 से ज्यादा बादल फटने की घटनाएं हुई, जिससे भयानक तबाही आई। और कुल्लू में बादल फटने की वजह से नाले में ऐसा सैलाब आया कि वो अपने साथ सड़क के एक हिस्से को बहा ले गया और पानी की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि वो किनारों को काटते हुए आगे बढ़ता दिखा और सड़क के बह जाने से सामान की ढुलाई करने वाली एक गाड़ी फंस गई, जिसका डराने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक गाड़ी फंसी दिखी क्योंकि बादल फटने के बाद उसके आगे और पीछे की सड़क पानी के साथ बह गई। तस्वीरों में वो गाड़ी पहाड़ों के बीच ऐसी जगह फंसी नजर आई जहां नीचे तेज वेग से बहती नदी और गाड़ी के आसपास खड़ी बड़ी बड़ी चट्टान दिखी। उस गाड़ी के लिए आगे खाई और पीछे कुआं वाले हालात बन गए, क्योंकि उसके लिए आगे बढ़ने और पीछे हटने के लिए सड़क नहीं बची। और बादल फटने की वजह से नीचे उफनती नदी है तो ऊपर पहाड़, जो कभी बड़े हादसे को दावत दे सकते हैं, जिससे वहां लोग दहशत में आ गए। लेकिन उत्तराखंड के चमोली तो पहाड़ खिसकने की ऐसी खौफनाक तस्वीर सामने आई कि लोग दहशत में आ गए और वहां के थराली इलाके में पहाड़ का बड़ा हिस्सा देखते ही देखते टूटकर नदी में समा गया, जिसका डरा देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें रेत की तरह पहाड़ से हजारों टन मिट्टी और पत्थर खिसकता दिखा। वीडियो में मिट्टी के साथ चीड़ के कई पेड़ भी पहाड़ी से नीचे गिरते नजर आए। पहाड़ से आया मलबा नीचे बह रही प्राणमती नदी तक पहुंच गया। पेड़ों के साथ पहाड़ी का हिस्सा नदी की धारा में जा गिरा, जिससे नदी का बहाव रुक गया। पहाड़ खिसकने की वजह से नदी के दोनों तरफ मलबा बिखरा दिखा। बीते करीब एक महीने में बारिश के दौरान उत्तराखंड के अलग अलग जिलों से पहाड़ खिसकने की ऐसी डरावनी तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। वहां आसमान से बरसी तबाही ने भारी नुकसान किया। और उत्तरकाशी जिले से तो लगातार पहाड़ खिसकने की डरावनी तस्वीरें सामने आई। पहाड़ से आए मलबे की वजह से यमुनोत्री हाईवे को बंद करना पड़ा। बारिश के बाद हजारों टन मलबा यमुनोत्री। और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है इसराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक से। इसराइल की सेना की वहां दिन दहाड़े बीच सड़क पर फिलिस्तीन के 3 चरमपंथियों से मुठभेड़ हो गई। इसराइल ने दावा किया कि शुरुआत चरमपंथियों ने की, उन्होंने इसराइल की फौज पर फायरिंग की, जिसका जवाब दिया गया और तीनों चरमपंथी मौत की नींद सो गए। बीते 15 महीनों से वेस्ट बैंक में लगातार खून खराबा हो रहा है और अब मामला इतना ज्यादा गर्म हो चुका है कि वेस्ट बैंक 2 दशकों में सबसे भयानक हिंसा की आग में सुलग उठा है। और इस बार वेस्ट बैंक से हो उस हिंसा का दिल दहला देने वाला एक वीडियो भी सामने आया। इसराइल ने दावा किया कि फिलिस्तीन के 3 चरमपंथी यहूदियों के एक मोहल्ले पर हमला करने की फिराक में थे, लेकिन इसराइल की सेना ने तीनों को मार गिराया। क्योंकि उस मुठभेड़ के सामने आए वीडियो में इसराइल की फौज फिलिस्तीन के चरमपंथियों पर भारी नजर आई। वो बीच सड़क पर ऐसी अंधाधुंध फायरिंग करती दिखी कि गोलियों के शोर ने सुबह की शांति को चीर डाला। इस एनकाउंटर से पहले तक सड़क पर एक आदमी एक गाड़ी तक चलती नहीं दिखी, वहाँ एकदम सन्नाटा पसरा था। इसराइल ने बताया कि तभी एक कार में फिलिस्तीन के 3 चरमपंथी यहूदियों के मोहल्ले के पास पहुँचे और गोलीबारी शुरू कर दी। इसराइल की सेना ने भी उनको मुंहतोड़ जवाब दिया और तीनों चरमपंथियों को मार गिराया। इधर यूरोपीय देश ग्रीस की राजधानी एथेंस से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां पर जंगल में लगी आग को बुझाने पहुंचा एक प्लेन खुद हादसे का शिकार हो गया और बाद में इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें वो प्लेन आसमान से सीधे जमीन पर गिरता नजर आया। विमान के हादसे के इस वीडियो को देखकर लोग खौफ से भर गए। जो वीडियो सामने आया उसमें जंगल से आग की ऊंची ऊंची भयानक लपटें उठती नजर आई, जिन्हें बुझाने के लिए वो प्लेन उस पर पानी की बौछार करने पहुंचा। लेकिन जैसे ही उस विमान ने पानी की बौछार करने के बाद आसमान में उड़ान भरी, तभी उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो जमीन पर गिर गया, जिससे उसमें आग लग गई। देखते ही देखते उससे भी आग की ऊंची ऊंची लपटों के साथ धुएं का गुबार उठने लगा। इस हादसे में वो प्लेन पूरी तरह तबाह हो गया। उधर संसद के मॉनसून सत्र से निलंबित होने के बाद संजय सिंह ने संसद परिसर में अपना धरना जारी रखा, जिसमें उन्हें कई विपक्षी पार्टियों का साथ मिला और मणिपुर के मुद्दे पर संसद में हंगामे के दौरान एक दिन पहले आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को इस पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया था, जिसके बाद वो और कई विपक्षी पार्टियों के सांसद संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के पास धरने पर बैठ गए।
और अगले दिन भी ये धरना जारी रहा। संजय सिंह के निलंबन के विरोध में विपक्षी गठबंधन इंडिया के सांसदों ने भी वहाँ पर डेरा डाल दिया, जिसके बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। किस तरीके की परंपरा आप शुरू कर रहे हैं? मणिपुर पर हंगामे के बीच संजय सिंह पूरे सत्र के लिए निलंबित हुए, जिसके विरोध में विपक्षी पार्टियां एक मंच पर इकट्ठा हुई। तो वहीं राजेंद्र गुढ़ा के तेवर भी नर्म नहीं पड़े। वो अपनी बात पर अड़े रहे और दावा किया कि लाल डायरी की वजह से गहलोत सरकार की नींव हिल सकती है और राज्य की गहलोत सरकार और मंत्रियों पर हमला जारी रखा, जिसका जवाब गहलोत सरकार की ओर से उनके मंत्री शांति धारीवाल ने दिया। और उन्होंने आरोप लगाया कि राजेंद्र गुढ़ा जो लाल डायरी लेकर विधानसभा में आए वो केवल दिखावा था, जिसके जरिए राजेंद्र गुढ़ा ने भ्रम फैलाने की कोशिश की। उन्होंने क्यों छीना मेरे से, मैं टेबल करना चाह रहा था, और यदि ये कह रहे उसमें कुछ नहीं है तो वो परेश को क्यों नहीं दे देते कि इसमें कुछ नहीं है, गुड्डा झूठ बोल रहा है। राइट देखता हूँ, लेफ्ट देखता हूँ, स्टेट फॉरवर्ड चलने वाला आदमी हूँ, मेरे लोगों की 50,000 लोगों की मीटिंग कर रहा हूँ। पुट्ठे के ऊपर लाल लाल वो कागज लगा करके उसको लाल डायरी बता रहे थे। जब हमने कहा, मैंने कहा खोल के दिखाओ ना, इसको दिखाओ जनता के सामने डायरी में क्या है, दिखाएगा किसी ने, खोली क्या डायरी। वही राजस्थान की गहलोत सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले राज्य के पूर्व मंत्री राजेंद्र गुढ़ा को करणी सेना का समर्थन मिला और उसने राजस्थान के कई जिलों में अपना गुस्सा दिखाने के लिए प्रदर्शन किया। राजेंद्र गुढ़ा को पिछले हफ्ते मंत्री पद से बर्खास्त किया गया, जिसके बाद वो सदन में पूरी तैयारी से पहुंचे। उन्होंने स्पीकर के सामने लाल डायरी लहरा दी और दावा किया कि डायरी में गहलोत सरकार के राज छिपे हैं। इसके बाद गुढ़ा को सदन से बाहर निकाल दिया गया और यही नहीं, गुढ़ा ने आरोप लगाया कि सदन के अंदर उनसे मारपीट हुई, जिसके बाद करणी सेना उनके समर्थन में उतर आई। राजसमंद में तो करणी सेना के लोगों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पुतला तक फूंक डाला, तो वहीं धौलपुर में भी राजेंद्र गुढ़ा के समर्थन में प्रदर्शन हुआ। वो राजेंद्र गुढ़ा का अपमान नहीं है, वो पूरे राजपूत समाज का अपमान है। करणी सेना ने मांग की कि राजेंद्र गुढ़ा को उनका पद वापस दिया जाए। उधर इसराइल और अमेरिका से जंग के आसार बढ़ते देख ईरान ने अपनी पहली लंबी रेंज की नेवल क्रूज मिसाइल से पर्दा उठा दिया है। ईरान ने दावा किया कि उसकी ये नई नवेली मिसाइल AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस है, जो समंदर से उसकी तरफ कूच करने वाले दुश्मन के जंगी जहाजों के परखच्चे उड़ा कर रख देगी। और ईरान की तरफ से जारी किए गए वीडियो में भी उसकी अबू महदी मिसाइल अपना लोहा मनवाती नजर आई। ईरान ने दावा किया कि 1000 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज की उसकी अबू महदी मिसाइल की कोई एकाद खासियत नहीं, बल्कि उसकी लिस्ट काफी लंबी है। बताया गया कि ईरान की मिसाइल अगर एक बार चल गई तो दुश्मन का काम तमाम करने के बाद ही दम लेगी, क्योंकि उसका निशाना एकदम सटीक है और उसे डिटेक्ट करना लगभग नामुमकिन। इसकी वजह यह है कि अबू महदी मिसाइल कम ऊंचाई पर उड़ेगी, जिसकी वजह से वो रेडार को भी गच्चा दे देगी, और तो और वो उड़ते उड़ते अपनी चाल भी बदल सकती है। यानी ईरान की मिसाइल अचानक उसके दुश्मन पर फट पड़ेगी और जब तक उसे एहसास होगा तब तक बहुत दूर हो चुकी होगी। इस बीच इसराइल के मीडिया ने दावा किया कि ईरान में ऑनलाइन कारोबार करने वाली एक कंपनी के एक दफ्तर में ताला लगा दिया गया। आरोप है कि कंपनी ने वहां काम कर रही महिलाओं की फोटो ऑनलाइन जारी की थी, जिनमें उन महिलाओं ने हिजाब नहीं पहना हुआ था, जिसके बाद कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी। इसराइल के मीडिया के मुताबिक पिछले हफ्ते ही ईरान सरकार ने वहाँ इस्लामिक ड्रेस कोड लागू करने के लिए अभियान शुरू किया और दावा है कि उसी अभियान के तहत उस कंपनी के खिलाफ एक्शन लिया गया। ईरान की न्यायपालिका की वेबसाइट के मुताबिक तस्वीरें जारी किए जाने के बाद कोर्ट में केस दर्ज किया गया और उसकी शिकायत की गई, जिसके बाद ई कॉमर्स कंपनी डिजिकला के एक ऑफिस को सील कर दिया गया। पिछले साल सितंबर महीने में हिजाब का विरोध करने वाली महसा अमीनी नाम की एक लड़की की पुलिस हिरासत में मौत के बाद पूरे ईरान में हिंसा भड़क गई थी, जिसके बाद ईरान की सरकार ने हिजाब पर सख्त कानून बना दिए, जिसके मुताबिक वहाँ कोई भी महिला बिना हिजाब के बाहर नहीं निकल सकती। वहीं एक फिल्म एक्टर के बगैर हिजाब के पोस्टर पर भड़की ईरान की सरकार ने वहाँ होने वाले फिल्म फेस्टिवल पर बैन लगा दिया और आरोप है कि वहाँ होने वाले फिल्म फेस्टिवल के पोस्टर में जिस एक्टर की तस्वीर लगाई गई उसने ईरान की सरकार की तरफ से जारी किए गए ड्रेस कोड का पालन नहीं किया था, जिससे नाराज सरकार ने सितंबर में होने वाली फिल्म फेस्टिवल को ही रद्द कर दिया। ईरान की मीडिया ने दावा किया कि उस पोस्टर में दिखाई दी अभिनेत्री ने हिजाब नहीं पहना था, जिसके बाद उन पर एक्शन ले लिया गया। क्योंकि ईरान में महिलाओं का हिजाब पहना बेहद जरूरी है और नियम तोड़ने पर सजा का प्रावधान भी रखा गया है और ईरान की मीडिया ने आशंका जताई कि इसी वजह से फिल्म फेस्टिवल को रद्द करने का फैसला लिया गया। इससे पहले भी एक एक्टर को हिजाब ना पहनने पर वहां की एक कोर्ट ने 2 साल की सजा भी सुनाई थी। इधर उत्तर प्रदेश के इटावा से हैरान करने वाला मामला सामने आया। वहां SSP के घर में सांप मिलने से सनसनी मच गई और बताया गया कि SSP की पत्नी जिस वक्त अपने सरकारी आवास में टहल रही थी उसी दौरान सांप दिखाई पड़ा, जिसके बाद उसे पकड़ने की कोशिश शुरू की गई।
सांप पकड़ने के लिए वन विभाग और वन्य जीव संस्था की टीम एसएसपी आवास पहुंच गई। थोड़ी देर बाद सांप को पकड़ लिया गया, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें वन विभाग की टीम का एक सदस्य सांप को पकड़े हुए दिखाई दिया। हालांकि पकड़े जाने से पहले सांप ने रेस्क्यू करने आए वन विभाग और वन्य जीव संस्था से जुड़े लोगों के पसीने छुड़ा दिए। ये जो है ये घोड़ा पछाड़ है और अभी इसको हमने एसएसपी आवास में पकड़ा है। सांप के पकड़े जाने के बाद वहां लोगों ने राहत की सांस ली। बाद में वन विभाग की टीम उस सांप को अपने साथ ले गई और सुरक्षित जगह पर छोड़ दिया। इस बीच उत्तर प्रदेश के इटावा में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद एक छात्र की हत्या के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और पुलिस के मुताबिक विनय यादव नाम का आरोपी अवैध हथियारों के साथ कहीं भागने की फिराक में था। लेकिन उससे पहले पुलिस की एक टीम ने उसे दबोच लिया। पुलिस के मुताबिक सूचना मिलने के बाद विनय यादव नाम के बदमाश की घेरेबंदी की गई और उसे आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया, लेकिन उसने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में पुलिस को भी गोली चलानी पड़ी, जो बदमाश के पैर में लगी, जिससे वो घायल हो गया। बाद में इलाज के लिए उसे जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। गोली उसके पैर में लगी है, मरीज अभी स्टेबल है। पुलिस के मुताबिक 17 जुलाई को इटावा के फ्रेंड्स कॉलोनी इलाके में शिवम यादव नाम के एक छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन मुख्य आरोपी विनय यादव वारदात के बाद से फरार चल रहा था। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि चीन से बढ़ते तनाव के बीच ताइवान की सेना के जवानों ने दुश्मन को ढेर करने का सबसे बड़ा अभ्यास किया, ताकि अगर दुश्मन हमला करे तो उससे आसानी से निपटा जा सके। क्योंकि चीन और ताइवान के बीच तनाव लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ताइवान का आरोप है कि पिछले कुछ महीनों में चीन ने उसे हड़पने के लिए कई बार उसकी एयर स्पेस में घुसपैठ की। हालांकि अमेरिका इस दौरान ताइवान के साथ मजबूती से खड़ा रहा, लेकिन इसके बावजूद ताइवान अपनी सेना को इतनी ताकत देना चाहता है कि चीन के दांत खट्टे हो जाएं। इसीलिए ताइवान की सेना के जवानों ने दुश्मन को ढेर करने की ट्रेनिंग ली। लेकिन इस मिलिट्री ड्रिल से चीन का पारा चढ़ गया और उसने ताइवान से बदला लेने का ऐलान कर दिया। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक चीन ने ताइवान को डराने के लिए अपने 37 लड़ाकू विमानों और युद्धपोतों को उसकी सीमा के पास भेज दिया। लेकिन चीन ने सिर्फ अपने लड़ाकू विमानों और युद्धपोतों को ही ताइवान की तरफ नहीं भेजा, बल्कि उसने ताइवान को घेरने के लिए दक्षिण चीन सागर में DF-17 बैलिस्टिक मिसाइलों को तैनात कर दिया। और पश्चिमी मीडिया के मुताबिक चीन के इस कदम ने तनाव को और बढ़ा दिया, क्योंकि ये कोई ऐसी वैसी मिसाइल नहीं बल्कि आवाज से 5 गुना तेज रफ्तार से हमले करने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल है, जो करीब 1800 किलोमीटर की दूरी तक हमले करने में सक्षम है। इतना ही नहीं, इस मिसाइल के जरिए परमाणु हमला आसानी से किया जा सकता है, मतलब पलक झपकते ही ये मिसाइल ऐसी तबाही मचाएगी जिसके बारे में ताइवान ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। इतना ही नहीं, चीन का दावा है कि DF-17 मिसाइल को अमेरिका का एयर डिफेंस सिस्टम भी नहीं रोक सकता, जिसके बाद से अमेरिका की टेंशन बढ़ गई। उसे डर सताने लगा कि चीन कभी भी ताइवान पर हमला कर सकता है। ताइवान को चीन अपना ही हिस्सा मानता है और उसके राष्ट्रपति शी जिनपिंग ये ऐलान भी कर चुके हैं कि चीन एक न एक दिन ताइवान पर अपना राज कायम करके ही रहेगा। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि चीन मिलिट्री ड्रिल की आड़ में किसी भी वक्त उस पर हमला कर सकता है। इधर मणिपुर में असम राइफल्स के रिलीफ कैंपों में रह रहे लोगों के लिए नए घर बनाने का काम तेज हो गया और हिंसा के बाद विस्थापित हुए लोगों के लिए इम्फाल में नए घर बनाए जा रहे हैं, जिनमें लोगों को शिफ्ट किया जाएगा। और जब तक वो घर तैयार नहीं हो जाते, लोग रिलीफ कैंपों में रहेंगे। मणिपुर के मोरे में भी कई लोगों को रिलीफ कैंप में ठिकाना मिला। वहां मौजूद लोगों ने बताया कि हिंसा के वक्त 4000 से ज्यादा लोगों को यहां पनाह मिली, जिन्हें धीरे धीरे इम्फाल शिफ्ट कर दिया गया। 4800 के आसपास है, सब इम्फाल में गया हुआ है कैंप पर। इम्फाल में विस्थापित हुए लोगों के लिए नए आशियाने बनाने का काम तेजी से चल रहा है, जिसके पूरे होते ही लोगों को रिलीफ कैंप से वहां शिफ्ट कर दिया जाएगा। उधर महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां पर दिन दहाड़े दो लुटेरे एक आदमी से लूटपाट करते नजर आए, जिसका वीडियो वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया, जिसमें वो उस आदमी से पैसे लूटकर भागते दिखाई दिए। सामने आए वीडियो में वो आदमी अपने दूसरे साथी के साथ बातचीत करता नजर आया। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी उनमें एक लुटेरा उसके पास आया, जबकि उसका दूसरा साथी मोटरसाइकिल से उसके करीब आकर रुक गया, जिसके बाद उस लुटेरे ने उस आदमी से पैसे का बैग छीन लिया और मोटरसाइकिल से फरार हो गया। हालांकि इस दौरान उस आदमी ने लुटेरों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन दोनों वहां से भाग निकले। बताया गया कि उस आदमी ने बैंक से 3 लाख रुपए निकाले थे और वो घर जा रहा था, लेकिन तभी रास्ते में उसके साथ लूट की ये घटना हो गई। पुलिस सीसीटीवी वीडियो के आधार पर लुटेरों की तलाश में जुट गई। इस बीच गुजरात के जामनगर में एक डांस ग्रुप को सड़क पर गरबा करते हुए रील बनाना भारी पड़ गया और वीडियो वायरल होने के बाद जामनगर पुलिस ने सड़क सुरक्षा नियमों के उल्लंघन का मामला दर्ज कर लिया और सड़क पर गरबा कराने वाले डांस क्लास के संचालकों को गिरफ्तार कर लिया। सड़क पर गरबा करते हुए इस डांस ग्रुप का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें 12 से 13 लोग एक के पीछे एक खड़े होकर फिल्मी गाने पर गरबा डांस करते नजर आए।
इस दौरान बीच सड़क पर डांस ग्रुप का पूरा ध्यान गरबे का रील बनाने पर ही था। उन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि अगर उस वक्त वहां से कोई तेज रफ्तार गाड़ी गुजरे तो उनका क्या होगा। इसके बावजूद वहां डांस ग्रुप ने बेखौफ होकर गरबे का अभ्यास पूरा किया। हालांकि जामनगर पुलिस ने रोड सेफ्टी के नियमों के उल्लंघन में मामला दर्ज करके आयोजकों को गिरफ्तार कर लिया। उधर चीन ने एक महीने से गायब अपने विदेश मंत्री को पद से हटा दिया और चीन ने उनकी जगह उनसे पहले विदेश मंत्री का जिम्मा संभाल रहे वांग यी को फिर नियुक्त कर दिया। लेकिन चीन के पूर्व विदेश मंत्री चिन गांग कहां हैं, कैसे हैं और उन्हें पद से आखिर क्यों हटाया गया, इन सवालों का जवाब चीन ने नहीं दिया। जबकि चिन गांग चीन की सरकार का बड़ा चेहरा थे और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के करीबी माने जाते थे। दिसंबर में ही उन्हें चीन का विदेश मंत्री बनाया गया था मगर एक महीने से उनका कुछ अता पता नहीं। उन्हें आखिरी बार 25 जून को देखा गया था। उसके बाद से चिन गांग के बारे में कोई जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई। वो इंडोनेशिया में हुए एक सम्मेलन में भी नहीं पहुंचे थे। तब चीन की सरकार की तरफ से कहा गया था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, पर उन्हें क्या हुआ है तब भी इस सवाल का जवाब नहीं दिया गया था। और इस बार भी चीन ने चिन गांग की लोकेशन के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। वहीं अमेरिका से बढ़ते तनाव के बीच रूस और चीन ने जापान सागर में मिलकर अपनी ताकत दिखाई और एक दिन पहले खत्म हुए इस युद्धाभ्यास के दौरान दोनों देशों की नौसेनाओं ने अपने घातक युद्धपोतों को जापान सागर में उतारा, जिसका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें दोनों देशों की सेना एक नकली हमले को नाकाम करती दिखी। वीडियो में दोनों देशों की नौसेना के कई युद्धपोत तैरते दिखे और उन पर हथियारों की खेप नजर आई, जिनसे एक के बाद एक हवा में कई गोले दागे गए। वहीं एक दूसरी तस्वीर में लड़ाकू विमान आसमान में उड़ान भरते नजर आए, जिन्होंने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। बताया गया कि इस युद्धाभ्यास में कुल 20 एक्सरसाइज की गई। रूस और चीन ने ये युद्धाभ्यास अमेरिका के साथ बढ़ते हुए तनाव के बीच में किया और इस युद्धाभ्यास के जरिए दोनों देशों ने मिलकर अमेरिका को अपनी ताकत दिखाई। इधर उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में एक डॉल्फिन के शिकार के वायरल वीडियो में हड़कंप मचा दिया। दावा किया गया कि यमुना नदी में मछली पकड़ने के दौरान मछुआरों ने एक डॉल्फिन को भी पकड़ लिया, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें कुछ लोग अपने कंधे पर नदी किनारे से एक बड़ी मछली को ले जाते दिखे। दावा किया गया कि ये दुर्लभ प्रजाति की डॉल्फिन है। बताया गया कि मछुआरों ने न सिर्फ डॉल्फिन का शिकार किया बल्कि उसे पकाकर खा गए। वीडियो वायरल होने के बाद वन विभाग की टीम ने गांव पहुंचकर तफ्तीश की, जिसके बाद 5 लोगों के खिलाफ भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत केस दर्ज कर लिया गया और एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। असल में भारत में डॉल्फिन संरक्षित प्रजाति की मछलियां होती हैं और उनका शिकार करना कानूनन अपराध है। इधर अफ्रीकी देश नाइजीरिया में उस वक्त हाहाकार मच गया जब वहां एक तेल के टैंकर में जोरदार धमाका हो गया। इस घटना में 8 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई जबकि कई लोग घायल हो गए और बताया गया कि घटना के वक्त वहां लोगों की काफी भीड़ थी। तभी एक जोरदार धमाके ने पूरे इलाके को थर्रा दिया। धमाके के बाद जो तस्वीरें सामने आई उनमें चारों तरफ धुएं का गुबार नजर आया और आग की ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। ये आग धीरे धीरे पूरे इलाके में फैल गई, जिसके बाद वहां मौजूद लोग जान बचाने के लिए उस इलाके से दूर भागने लगे। इस दौरान तेल टैंकर में रह रहकर धमाके होते रहे और हर धमाके के साथ आग और ज्यादा भड़कती दिखाई दी। टैंकर में लगी आग इतनी भीषण थी कि जिसने भी उसे देखा वो खौफ से भर गया। बताया गया कि नाइजीरिया के ओंदो इलाके में टैंकर से तेल निकालने के दौरान यह हादसा हुआ, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई। इस घटना के बाद फौरन पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम वहां पहुंच गई और बिना वक्त गवाए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि चीन के खिलाफ 11 देशों ने ऑस्ट्रेलिया में सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया। बताया गया कि इसमें 11 देशों के करीब 30,000 सैनिक हिस्सा ले रहे हैं। ये सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रेलिया में अलग अलग जगहों पर किया जा रहा है और इसीलिए इस युद्धाभ्यास को चीन की चुनौती से निपटने के तौर पर देखा गया। चीन लगातार हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र में अपनी मौजूदगी को बढ़ा रहा है। इतना ही नहीं, वो लगातार दक्षिण चीन सागर में भी दादागिरी से बाज नहीं आ रहा, इसीलिए सैन्य अभ्यास को काफी अहम माना जा रहा। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, फ्रांस, जापान, दक्षिण कोरिया और ब्रिटेन जैसे देशों की सेनाएं इसमें हिस्सा ले रही हैं। वहीं भारत, सिंगापुर, फिलीपींस और थाईलैंड इस युद्धाभ्यास के ऑब्जर्वर हैं। खास बात यह है कि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया विवादित ताइवान स्ट्रेट में भी युद्धाभ्यास करेंगे, लेकिन जैसे ही इसके बारे में चीन को भनक लगी वो भड़क गया। उधर अमेरिका की सरकार के एक कदम ने चीन की चिंता बढ़ा दी और ऐसा इसलिए क्योंकि पश्चिमी मीडिया के मुताबिक अमेरिकी सरकार ने इस बात का फैसला ले लिया कि वो जल्द ही ऑस्ट्रेलिया को कई घातक हथियार मदद के तौर पर देगा और इसके लिए वहां की संसद में बकायदा एक कानून बनाया जा रहा है, जिसके तहत अमेरिका की सरकार ऑस्ट्रेलिया को हथियारों की मदद करने में तहजीह देगी। ऐसा इसलिए क्योंकि ऑस्ट्रेलिया लंबे वक्त से धीमी रफ्तार से हथियार मिलने की शिकायत कर रहा था और ऑस्ट्रेलिया का मानना है कि अगर इस दौरान चीन ने उस पर हमला बोला तो उसके पास मौजूद हथियारों से वो चीन का सामना नहीं कर पाएगा। यही वजह रही कि अमेरिका की सरकार एक कानून बनाने जा रही है, जिसके मुताबिक ऑस्ट्रेलिया को जल्दी और बेहतर हथियार मुहैया कराए जाएंगे।
वहीं चीन ने स्पेसएक्स के मालिक इलॉन मस्क को मात देने की तैयारी कर ली। चीन के मुताबिक चीन की मीडिया के मुताबिक चीन एक नए तरीके के हाइपरसोनिक स्पेस प्लेन पर काम कर रहा है, जो अगर बन गया तो अंतरिक्ष में जाना सस्ता हो जाएगा, जिसका सीधा सा मतलब होगा इलॉन मस्क को बड़ा झटका। चीन की मीडिया के मुताबिक अगर चीन इस स्पेस प्लेन को बनाने में कामयाब हो गया तो अंतरिक्ष तक पहुंचना 90% तक सस्ता हो जाएगा। बताया गया कि चीन ने इसके लिए टेस्ट भी शुरू कर दिया। खबर के मुताबिक चीन ने ये टेस्ट अपनी शक्तिशाली हाइपरसोनिक विंड सुरंग में किया, जिसे चीन ने अंतरिक्ष से जुड़े मिशन और खुफिया प्रयोग के लिए डिजाइन किया है। चीन 2035 तक हाइपरसोनिक विमानों को तैयार करने की कोशिश कर रहा है, जिसके तैयार होने पर बेहद कम वक्त में अंतरिक्ष का सफर किया जा सकेगा। उधर इटली के सिसिली के जंगलों में लगी आग वहां के एयरपोर्ट तक पहुंच गई, जिसका हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें एयरपोर्ट के आसपास मौजूद जंगलों में आग का तांडव दिखा, जिसकी वजह से उस एयरपोर्ट को बंद करना पड़ा। वहां से जो वीडियो सामने आया उसमें एयरपोर्ट के चारों तरफ आग की लपटें उठती नजर आई। आग इतनी भयंकर थी कि कई किलोमीटर दूर से ही आग का धुआं दिख रहा था। बताया गया कि वहां के जंगलों में लगी आग धीरे धीरे एयरपोर्ट के करीब पहुंच गई, जिसकी वजह से एयरपोर्ट के आसपास की कई सड़कें भी बंद कर दी गई। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उसमें एयरपोर्ट के रनवे के पास धुएं का गुबार उठता दिखा। बताया गया कि आग की वजह से वहां तापमान 47 डिग्री तक पहुंच गया था, जिसे देखते हुए वहां के 16 शहरों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। और इसी बीच तुर्की के जंगलों में आग का तांडव जारी है। वहां के जंगलों में लगी आग सैकड़ों एकड़ में फैल गई और हालात बिगड़ते देख वहां की रेस्क्यू टीम ने जमीन के साथ साथ आसमान से भी आग पर काबू पाने की कोशिशें तेज कर दी, जिसके लिए वहां के प्रशासन ने 10 विमान और 22 हेलीकॉप्टर को आग बुझाने के काम में लगा दिया, क्योंकि जंगल में लगी आग ने विकराल रूप ले लिया और जो तस्वीरें आई उनमें घने जंगल के बीच कई फीट ऊंची आग की लपटें उठती दिखी। रात के अंधेरे में भी आग की वजह से उठता काला धुआं साफ दिखा, जिसने पूरे आसमान को ढक दिया। जंगल में आग इतनी ज्यादा फैल गई कि दूर तक आग की पगडंडी सी बनी दिखी। वहां के जंगलों में लगी आग ने रौद्र रूप धारण कर लिया, सैकड़ों एकड़ जंगल जलकर खाक हो गए। खतरा बढ़ते देख आसपास के कई रिहायशी इलाके खाली करा लिए गए और आग बुझाने की कोशिशें तेज कर दी गयी। उधर अफ्रीकी देश सूडान में छिड़े गृह युद्ध को 100 दिन पूरे होने पर वहां रॉकेटों की ऐसी अंधाधुंध बारिश हुई कि कम से कम 16 लोगों की मौत हो गई और सूडान में अप्रैल से वहां की सेना और पैरामिलिट्री ग्रुप RSF एक दूसरे को मरने मारने पर तुले हैं, क्योंकि दोनों को सूडान की सत्ता अपने हाथ में चाहिए, जिसके लिए दोनों गुटों ने एक दूसरे पर रॉकेटों की बरसात कर दी और सूडान के मासूम निहत्ते लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। सत्ता का नशा ऐसा है कि सूडान की सेना और RSF दोनों में एक भी झुकने को तैयार नहीं। पिछले महीने बकरीद पर भी दोनों ने हमले कर दिए थे। अमेरिका से लेकर सऊदी अरब तक सूडान की लड़ाई को शांत करने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन वहां की सेना और पैरामिलिट्री ग्रुप युद्ध विराम के लिए तैयार ही नहीं। रजा रब की है गर इस पेड़ पर बिजली गिराने की, रजा रब की है गर इस पेड़ पर बिजली गिराने की, करेगा फिक्र वही आशियां मेरा बचाने की। सौबात की एक बात कही सूरज ने, निशाना चूकता तेरा तो होती जग हंसी तेरी, सड़क के आबरू हमने रखी तेरे निशाने की। तो मिलते हैं कल, घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे, रात का वक्त होगा सौबात की एक बात का।